हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था तुम्हें, मैंने बताया था ई इलेक्ट्रोड इज ई नॉट इलेक्ट्रोड -0.059 बाय एन लॉग क्यू, है ना बच्चों। एन आर द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन द हाफ सेल रिएक्ट एंड क्यू इज द रिएक्शन कोशिएंट ऑफ दैट हाफ सेल रिएक्ट। क्लियर है गाइस, कोई डाउट किसी बच्चे को? ये जो हाफ सेल रिएक्शन हम लिख रहे हैं, डू यू रियलाइज ये रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का भी एक रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ है। हाफ सेल तो वही हो गया ना, ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ। हम इसे बैलेंस जो करते हैं वो हम कैसे बैलेंस करते हैं, जो हमने रिडॉक्स में पढ़ा था हाफ सेल को बैलेंस करना, वैसे करते हैं। अभी तक तुम्हारी जो रिएक्शन थी वो कैसे थी, ए एल सी प्लस गिविंग ए एल, सी डी गिविंग सी डी टू प्लस, ए जी प्लस गिविंग ए जी, इस टाइप की रिएक्शन। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है। जैसे तुम्हारे पास सी डी गिविंग सी डी टू प्लस है तो इसको तुम बैलेंस कैसे करोगे, सबसे पहला बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, जो कि बैलेंस। नेक्स्ट बैलेंस द चार्ज, चार्ज बैलेंस करने पे यहाँ पे टू आ जाएगा, तो बेसिकली एन यहाँ पे टू आ जाएगा और क्यू बन जाएगा सी डी टू प्लस की कंसंट्रेशन बाय वन। वन क्यों? क्योंकि सी डी सॉलिड रहा हो। कोई डाउट यहाँ तक? गुड। लेकिन सपोजिंग मैं रिएक्शन लेता बी आर ओ थ्री माइनस गिविंग बी आर माइनस, तो क्या करते तुम कहते हैं यार ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया, एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज रिड्यूस बैलेंस हो गया, नाउ बैलेंस द हाफ सेल रिएक्शन, बैलेंस द ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, आप जो भी मैंने लेगा उसको पूरा बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करोगे? 3H2O 6H+, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों। एंड यू विल बी नीडिंग 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया या नहीं आया? +6 इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 6। क्यू क्या आ जाएगा? बी आर माइनस बाय बी आर ओ थ्री माइनस इंटू एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन रेशियो पावर 6। H2O इग्नोर हो जाएगा, प्योर लिक्विड। क्लियर है गाइस? कई बार तुम्हें एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, क्या दिया होगा बच्चों? पीएच, या और कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया होगा? पीओएच। पीओएच है तो पीएच निकालो और लगा दो फॉर्म। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? यहाँ पे एन 6 था, क्यू की वैल्यू मैंने तुम्हें बता दी। कोई डाउट यहाँ तक? गुड। अब आते ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 बाय एन लॉग क्यू। दूसरा मैंने ये बताया था, यहाँ पे ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड ई एम एफ ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट विल गिव अस ई नॉट सेल -0.059 बाय एन। एन तुम किसी भी एक हाफ सेल रिएक्शन को उठा लो, ठीक है ना गाइस, और उसमें से एन निकाल। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी तुम्हारा एन आएगा वो कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखने के बाद आएगा। जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं लेता हूं सी डी गिविंग सी डी टू प्लस एंड ए जी प्लस गिविंग ए जी, पहले दोनों हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करो। एटम गेटिंग ऑक्साइज या रिड्यूस तो बैलेंस है ही, चार्ज भी बैलेंस कर दिया, दोनों को बैलेंस कर दिया। एटम गेटिंग ऑक्साइज या रिड्यूस को बैलेंस कर दिया, चार्ज को भी बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, सबसे पहले ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, वो क्या आएगा बच्चों? उसके लिए इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल आउट फ्रॉम बोथ साइड, तो बेसिकली इसको इंटू टू करोगे, इसको इंटू वन करोगे और ऐड कर दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी कैंसल आउट। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? ये बन जाएगा सी डी प्लस 2 ए जी प्लस गिविंग सी डी टू प्लस प्लस 2 ए जी। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने, 2 है, ठीक है ना गाइस। या तो इधर से देख लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2, या इधर से देख लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, यहां से भी 2 आ रहे, क्योंकि हमने इसको इंटू 2 किया था, तो ये हैव अंडरस्टूड एन की वैल्यू क्या आने वाली है, 2। क्यू क्या बन जाएगा बच्चों? सी डी टू प्लस बाय ए जी प्लस की कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक?
क्लियर हुई ये चीज है? नहीं हुई, गॉट इट? ग्रेट। अब मैंने बताया था डेल्टा जी डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ ई सर। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? तो अगर हमारा डेल्टा जी नॉट निकालना है तो यू विल बी यूजिंग द ई नॉट सर। एक और चीज गाइस, इसके लिए एन क्या होगा? टू होगा। अगर मैं लेता हाफ सी डी प्लस ए जी प्लस गिविंग हाफ सी डी टू प्लस प्लस ए जी, तो उसके लिए एन वन हो। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चे? ई नॉट सेल तो हमारे यहाँ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव, तो आइडिया इज यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? क्लियर हो गई ये चीज? एक और फॉर्मूला का है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के। क्लियर? एल एन है तो लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, डोंट मेक दैट मिस्टेक। अच्छा गाइस, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमारा ई नॉट सेल दे रखा है और डेल्टा जी नॉट पूछा है यूज दिस फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट दे रखा है, के इक्विलिब्रियम पूछा है यूज दिस फॉर्मूला, ये व्हाट द आइडिया, राइट? अच्छा एक और चीज बच्चों, मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी, फिर से बता रहा हूं। ई सेल हमने कहा था ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ, इसको मैं वो 0.059 बाय एन कर दूं, दैट वुड बी कन्वीनियंट, 0.059 बाय एन लॉग क्यू। ये था या नहीं था बच्चों हमारा? मैंने ऊपर भी ये लिखा था, अब तुम्हें रियलाइज हो गया, ठीक है ना गाइस? अब यहाँ पे इस रिएक्शन के मतलब इस इक्वेशन के अंदर अगर सेल हैज रीच इक्विलिब्रियम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हैज स्टॉप, तो ई सेल हो जाएगा जीरो, क्यू बन जाएगा हमारा के इक्विलिब्रियम। तो तुम रियलाइज करोगे वो यही फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाय एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.059 बाय एन लॉग के की। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अरे यार, बाय एन 0.059 बाय एन लॉग के की। कोई डाउट यहां तक आए? क्लियर है? ये बेसिकली हमारा क्या था, आर डी बाय एन ए, और 2.303 को इंक्लूसिव करके ये बनाया है, बिजली 0.059 इज 2.303 आर टी बाय एफ, दैट इज 0.05। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गुड। कई फॉर्मूले कर लिए जिनका यूसेज अभी तुम्हें नहीं पता, ठीक है बच्चों? उसका अभी हम देखेंगे, समझ में आ जाएगा। एक दो इक्वेशन और है, पहले वो भी बता दूं, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। गाइस, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टेम्परेचर। हाँ बेटा बोलो। स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिया सर, ये 0.59 वाला फॉर्मूला। हाँ बेटा, फिर तुम्हें आर डी बाय एन एफ लेना पड़ेगा, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो ना टेम्परेचर 298 नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर तो तुम्हें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना गाइस? अब आते हैं वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विद टेम्परेचर। गाइस देखो, डेल्टा एस कैन बी रिटन एज माइनस डी ऑफ डेल्टा जी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये होता है बच्चों। क्लियर है गाइस? होता है। तो ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी क्या था बच्चों, माइनस एन एफ ई, हाँ है ना, माइनस एन एफ ई एम एफ ऑफ सेल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये हमारा बन जाएगा एन एफ
ई सेल बाय डी। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर, दिस इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर गाइस। डेल्टा एस इज एन एफ डी ई सेल बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चों, डी सेल बाय डी टी को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ई एम एफ। डी सेल बाय डी टी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ई एम एफ। क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं, 298 केल्विन पे ई एम एफ वॉज ई वन, 300 केल्विन पे ई एम एफ इज ई टू। तो ये जो डी सेल बाय डी टी है ये एक्चुअली डेल्टा ई सेल बाय डेल्टा टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया नॉट? इट विल बी डेल्टा ई सेल बाय डेल्टा टी। कोई डाउट यहां तक? तुम्हें ई एम एफ दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दे रखा होगा, डेल्टा एस तुम निकालोगे एज एन एफ डी ई सेल बाय डी टी, इससे निकाल लो। हाँ वो होता ही है। हाँ क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ? अब ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा एस इज रिएक्शन डिपेंडेंट। मतलब तुम ये रिएक्शन उठाओगे कौन से वाली, सी डी प्लस टू ए जी प्लस गिविंग सी डी टू प्लस प्लस टू ए जी, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? टू आएगी। हाफ कर दोगे तो एन की वैल्यू वन आएगी। गेटिंग द आइडिया बच्चे? ये है डेल्टा एस निकालना। अब है डेल्टा एच कैसे निकालोगे? डेल्टा एच के लिए कैन यू यूज द फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब डेल्टा जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता था? एन एफ ई माइनस एन एफ, माइनस एन एफ ई एम एफ ऑफ सेल विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच हमें पता है बच्चों, डेल्टा एच वॉज ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, नहीं लिखवाया था बच्चों? ये क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? यहां से डेल्टा एस निकाल लिया। अब गाइस एक और चीज ध्यान से सुनो, मैंने बताया था दो डिफरेंट टेम्परेचर 298 और 300, दोनों पे हमें ईएमएफ दे रखा है। क्लियर है गाइस? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तुम डेल्टा एच रिएक्शन निकाल रहे हो, जब तुम डेल्टा एच रिएक्शन ले रहे हो, तो जो ईएमएफ ऑफ सेल ले रहे हो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर उठाना। कि तुम्हें तो दो ई एम एफ की वैल्यूज दे रखी है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दे रखी है, तो जो तुम ई एम एफ ऑफ सेल ले रहे हो उसी के करस्पॉन्डिंग ही टेम्परेचर उठाना। ये मत करना कि ई एम एफ ऑफ सेल तुमने उठाया 300 केल्विन वाला और टेम्परेचर उठा लिया 290। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चे? मतलब इसको मैं ऐसे भी कह सकता ई एम एफ ऑफ सेल वन टेम्परेचर टी। गेटिंग द आइडिया? वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें समझा दिया कि जो तुम टेम्परेचर ले रहे हो उसी का करस्पॉन्डिंग ई एम एफ उठाया जाएगा इस इक्वेशन के अंदर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। ये जो हमारी रिएक्शन थी बेसिकली ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, जहां पे डेल्टा एच का फॉर्मूला ये लगेगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके गाइस, ये एच ओ एल टी जेड है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? गाइस नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। क्वेश्चन करते आएंगे, थ्योरी करते आएंगे साथ साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है एम जी सॉलिड प्लस टू ए जी प्लस 0.0001 मोलर गिव्स एम जी टू प्लस प्लस टू ए जी, और ये दे रखा है 0.13 मोलर। ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है इफ ई नॉट सेल इज 3.17 वोल्ट। गाइस मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी, सेल इक्वेशन तुम्हें पकड़ा रखी है क्वेश्चन के अंदर। आई डोंट थिंक यू विल फेस एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इट। करो गाइस, हाँ मान लेंगे, नहीं दे रखा मान।
मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने शायद ये भी बताया था 0.059 को कई बार हम 0.06 कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन हमें वैल्यूज कैसी दे रखी। गुड क्वेश्चन हो गया, निकल जाएगा। हाँ बेटा 0.059 को 0.06 लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, कैलकुलेट ई रिडक्शन फॉर पीटी H2 4 ATM H2SO4 0.01 मोलर। क्लियर है बच्चों? निकालो गाइस, क्या हो? डू यू रियलाइज गाइस? ऐसे मत कहना कि सर H2 कीपिंग H+ कर देते हैं, जब रिडक्शन बोला है तो रिडक्शन रिएक्शन चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अब गाइस यहाँ पे एक काम कीजिए, रिडक्शन रिएक्शन पहले लिख लो, क्या होगी बच्चों? H+ गिविंग H2, फर्स्ट बैलेंस द एटम्स देन बैलेंस द चार्ज। कोई डाउट यहां तक? अब H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या है? H+ आयन कंसेंट्रेशन, प्लीज कोई बच्चा ये मत सोचना कि 2H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या होगी, देयर इज नो सच थिंग एज 2H+ आयन कंसेंट्रेशन। H+ आयन कंसेंट्रेशन क्या है? 0.02 है, क्योंकि एक H2SO4 कितना H+ देता है? 0.0। और प्रेशर ऑफ H2 कितना है बच्चों? 4 ATM। तो जरा मुझे बताओ ई रिडक्शन क्या होगा? ई नॉट रिडक्शन क्या होगा गाइस? 0। इट इज अ हाइड्रोजन लेफ्ट, 0 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग 4 बाय 0.02 का होल स्क्वायर। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आ गया, क्लियर हो गई ये चीज? ई रिडक्शन हमें पूछा गया था, वी हैव गॉट अवर आंसर। नेक्स्ट गाइस, ये मैंने इसको कहीं मार्क कर दूं, दिस वाज ए बी। अगर मैं लेता हूं ये, बच्चों का सबसे बड़ी समस्या ये होता है कि बच्चे उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करके देख, गाइस ये आसानी से हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एंड दिस इज इजियर वर्जन ऑफ द लास्ट पार्ट, हाँ है ना बच्चों? मैं सीधा लिख देता हूं, ये 1 ATM हो गया और ये 0.2 मोलर हो गया। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट पार्ट पे आते, फाइंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ pH = 5। क्या करोगे बच्चों? अब पोटेंशियल बोला है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बोला, लेकिन वी विल अज्यूम टू बी इट टू बी द रिडक्शन पोटेंशियल, हमें निकाल कुछ सिर्फ पोटेंशियल लिखा है, अज्यूम रिडक्शन पोटेंशियल। क्या करोगे गाइस? ये कितना है? H2 नहीं दे रखा तो अज्यूम इट टू बी 1 ATM। क्लियर है गाइस? ई विल बी, एक मिनट रुको, मैंने यहां पर लिखा था ना, ई रिडक्शन विल बी 1 काम करें गाइस, यहां पे अगर मैं N1 उठाता हूं, N1 उठाता हूं तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं N को 1 उठाता हूं,
मैंने ऊपर एंड टू ले रखा है, लेकिन अगर मैं वन लेता हूं तो ड्यू रियलाइज यही बनने वाला है, ठीक सर है ना गाइस। टू उठाता तो तुम्हारा एक्सप्रेशन यहाँ पे वन आ जाता और नीचे 10^-5 का होल स्क्वायर आ जाता। कोई डाउट यहां तक? अब यहाँ पे अगर सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है POH is 5, तो क्या करोगे? नाइन तो POH 5 है तो हमारा pH is 9, तो बेसिकली 10^-9 आ जाएगा। एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन यहाँ पे मैंने n=1 से सॉल्व किया। कोई डाउट नहीं आता किसी बच्चे को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अभी एक क्वेश्चन हम और अच्छा करेंगे, अच्छा लगेगा तुम्हें। कई बार क्या होता है, तुम्हें ऐसे भी लिखा होगा H2OH-, H2OH-, और यहाँ पे से दे रखा है Ag+Ag, तो क्या करोगे बच्चों? और OH- आयन कंसेंट्रेशन दे रखा है H10^-3। एग्जाम्पल के तौर OH- को ट्रीटेड एज H+, H2 giving H+, Ag+ giving Ag, और H+ की कंसेंट्रेशन तुम्हें निकालनी पड़ेगी बाय अज्यूमिंग H+ (OH−)-10^-14। वहां से तुम OH- से H+ निकालोगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है H2 giving H+, रिडक्शन रिएक्शन है Ag+ giving Ag। समझ में आया या नहीं आया? हमने कहा कि पहले एक चीज देखो, हमारा जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें क्या होना चाहिए, H2 giving OH- आना चाहिए बेसिकली। लेकिन उसमें अगर तुम हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इज गोइंग फ्रॉम 0 to +1, OH- में हाइड्रोजन +1 भी तो जा रहा है ना, तो यू कैन राइट दिस रिएक्शन एज H2 giving OH- की जगह H2 giving H+। बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि H+ की कंसेंट्रेशन क्या उठा रहे हो। अगर OH-10^-3 है तो H+ will be 10^-11। क्लियर है बेटा? तो अभी करवाऊंगा ये क्वेश्चन, अभी करवाऊंगा, अभी लीव इट असाइड, मतलब विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आफ्टर सम टाइम, एग्जैक्ट उसका क्वेश्चन करेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट पे बच्चे। हमें पूछा गया है, वी आर गिवन Zn2+, Ag+Ag, ओके, E0, Zn2+2 जिंक हमें दे रखा है -0.7 से, और E0 Ag+2 Ag दे रखा है 0.8। पहली चीज ये समझ में आ रहा है नहीं कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे। बाय चांस E0 Ag लिखा होता तो वो भी रिडक्शन पोटेंशियल होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहे बच्चों? इसकी जगह यू माइट हैव बीन गिवन E0 Ag, मतलब एक तरीके हमें कह रखा है Ag का फॉर्मेशन फ्रॉम कहां से, Ag+ से, वो दे रखा है। इट माइट बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। हमें पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q EMF ऑफ सेल इज 0 वोल्ट। करो गाइस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू ईएमएफ ऑफ सेल इज 0 वोल्ट। एक्चुअली इस केस में डू यू रियलाइज क्यू शुड बी नथिंग बट के इक्विलिब्रियम। करो गाइस, क्वेश्चन लग रहे होंगे आसान, लेकिन आइडिया इज ऐसे क्वेश्चन ही तुम्हारे जेई मेंस में आ रहे हैं। रिएक्शन सेल रिएक्शन जरूर लिख लेना, सेल रिएक्शन मैं नीचे लिख देता हूं। अब यहां पे तुम रियलाइज करोगे कि सर हमें तो बता ही नहीं रखा किस टाइप की रिएक्शन है, किस टाइप की, मतलब क्या ये रिएक्शन ले हम, या हाफ जिंक प्लस Ag+ giving Z, हाफ Zn2+ Ag ले।
आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हमें क्यू पूछा गया है, क्यू कौन सी रिएक्शन के लिए ली? ये भी सेल रिएक्शन है और ये भी तो सेल रिएक्शन हो सकती है। हम क्या करेंगे, हम ऐसा लेंगे जिसमें तुम्हारा फ्रैक्शन ना आए। क्लियर है गाइस? अनलेस स्पेसिफाइड टू अस इन क्वेश्चन, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड टू अस इन क्वेश्चन, वो मैं अभी बताता हूँ, उसका भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कि हाउ विल बी स्पेसिफाइड टू अस कि हमें ये रिएक्शन लेनी जो मैंने अभी लिखी है। अगर नहीं दे रखा, अगर नहीं दे रखा तो तुम हाफ मत उठाना भाई, तो हाफ मत उठाना गाइस। क्लियर है या नहीं? ये हमारी सेल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का क्यों पूछा गया है जब ईएमएफ ऑफ सेल जीरो है? बेसिकली हमें एक तरीके के इक्विलिब्रियम पूछा गया है। हम कहेंगे ये जीरो हो गया और क्यू की वैल्यू पूछी गई है। सही पूछा जाए, हम लिख देते हैं क्यू, बट इट शुड बी के इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आएगा है? हाँ, लॉग फाइव 0.699, ऐसे करो ना, लॉग फाइव इज लॉग 10/2, लॉग 10 इज 1, लॉग 2 इज 0.3, 1 माइनस 0.3 इज 0.7। तुम्हें याद होगा गाइस, हमने आने के इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था कि लॉग के 1 to 10 तो वैल्यूज रटनी ही है, उनको यूज करोगे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस निपट जाएंगे तुम्हारे आराम से। क्या हो गया इसमें, दिक्कत कहाँ आ गई? एक 0.3, एक 0.477 है। अब मेरे को तो याद होनी चाहिए गाइस। एनीवे समझ आए गाइस, क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? वेरी नाइस। तो यहां पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा एन हमने क्या उठाया गाइस? टू। बेटा प्लीज आवाज नहीं, अभी मैंने बोला था, मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे तुम्हारा एन टू है और क्यू भी हमारा इस रिएक्शन के लिए हम निकाल दें, इस रिएक्शन के लिए एन टू है और इसी रिएक्शन का हमें क्यू निकाल दें। अगर ये स्पेसिफाई कर देते, सपोजिंग क्वेश्चन में कह दिया होता कि सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, तो हमारा एन क्या हो जाता? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो एन हमारा क्या उठ जाता? 1। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया? 1 मोल का मतलब है तुम्हारा, अभी देखो हम कहना चाह रहे हैं 1 मोल जिंक 1 मोल ZN2+ बना रहा है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया होता 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, तो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड एन की वैल्यू में क्या उठानी पड़ेगी? 1 गाइस। जो तुम पूछे थे ना सर कैसे स्पेसिफाइड होगा, वो बता रहा हूं। क्लियर है गाइस? अभी हमारा हमने मतलब फ्रैक्शन में नॉर्मली हम नहीं लेंगे, सिंपल, अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफाइड टू अस इन क्वेश्चन। क्लियर है गाइस? यहाँ पे एन हो गया 2 और हमने के इक्विलिब्रियम भी इसी रिएक्शन का निकाल लिया, कोई डाउट यहां तक? ये हमारा 0 हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? ये बार एक्सप्रेशन लिख दो क्या होगा। 1.56 विल बी 0.059 बाई 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? बेटा समझ में आया ना आया? ओके नाइस गाइस, एक क्वेश्चन और करते हैं। हमें दे रखा है Br(O)-, प्लस 3H2O गिव्स Br- प्लस 6OH-, और यहां पे हमने ऐड कर दिया प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? हमें ये दे रखा है 2 × 10⁻³, 2.5 × 10⁻³। बी आर माइनस दे रखा है 5 × 10⁻³ और पीएस दे रखा है एज 9। फाइंड ई सेल, और हमें क्या दे रखा है बच्चों? ई इलेक्ट्रोड, सॉरी ई इलेक्ट्रोड, और हमें ई नॉट इलेक्ट्रोड, ई नॉट रिडक्शन दे रखा है। बेसिकली Br(O)-, गिविंग Br-, ये हमें दे रखा है एज 0.61 वोल्ट।
गाइस राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर रिडक्शन पोटेंशियल. पोटेंशियल बोले या रिडक्शन पोटेंशियल बोले, इट मीन्स द सेम थिंग. क्लियर है गाइस? हाँ बेटा बोलो. होप करना कि वैल्यू सिंपल है, ठीक है ना गाइस? करो इसे, करो. ऊपर हाँ बेटा, क्यू की वैल्यू मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ रही है? 7.58 इंटू 10^52. 52. हाँ बेटा, इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड कि रिएक्शन पूरी कंप्लीशन तक से चली गई ना बेटा, के इक्विलिब्रियम. हाँ गाइस, बेटा आवाज नहीं. हाँ बोलो बेटा, क्या दे रखा है किसको बेटा? बेटा? वो 6 इलेक्ट्रॉन. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो हमें 6 इलेक्ट्रॉन दे रखे, ये एन बता रहा है. हाँ तो उसका तो कुछ यूज है ही, बस एन में उसका यूज है. गाइस एक्सप्रेशन बना या नहीं बना? बन गया पक्का गाइस, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को. ई इलेक्ट्रोड पूछा गया, ई इलेक्ट्रोड क्या बनेगा? 0.61 माइनस 0.059 बाय 6 लॉग 2H-2 ऊपर है, तो इट विल बी 10^-5 क्लियर है बच्चों? एक्सप्रेशन यही, कितने बच्चों का यही एक्सप्रेशन बनाएगा है? नाइस. हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रहे थे? अच्छा गुड, क्लियर हो गई ये चीज? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? वन सर, जस्ट वन सर. वो कुछ नहीं, हैंग हो गया था. तो पावर सिक्स होती हाँ है 10^4। अच्छा 6, ठीक है बच्चों. कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? एक और क्वेश्चन लेते हैं. ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया है, सीआर Cr3+, ये 0.1 मोलर है. Fe2+ Fe, ये हमारा 0.01 मोलर. गाइस ओवरऑल सेल रिएक्शन बिना अगर क्वेश्चन कर रहे हो ना स्टार्टिंग में, तुम्हारा गलत होएगा या गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होगा. तो प्लीज राइट डाउन द ओवरऑल सेल रिएक्शन. दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिखो, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो, एंड देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल. मैं ई नॉट रिडक्शन बता रहा हूं. Cr3+2Cr इज -0.74 एंड ई नॉट ऑफ Fe2+2Fe इज -0.44 वोल्ट. बेटा बच्चों बताओ, पॉइंट मैं भी पूरा करूं क्या गाइस? यू हैव टू राइट डाउन द ओवरऑल सेल रिएक्शन. बेटा अभी तुम लोगों की विजुलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम पूरा आंसर सही निकाल दो. चाहे निकाल ही दो, आई वुड नॉट रिकमेंड इट. हाँ 6 होगा, लेकिन क्यू में दिक्कत आ जाएगी. क्यू में हो सकता है कि तुम पावर गलत ले लो. हाँ बेटा ये रहा, करो गाइस.
0.1 का। ये बना है? नहीं बना बच्चों, किसी में मजा आ गया बेटा। हाँ बेटा, 0.01 हमें दे रखा था Fe2+ का। ओके गाइस, क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन लेते हैं। Ag+ Cl- Cl2 प्लैटिना, ये 0.1। ये बस बता रहा है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है। हाँ, उसका कोई यूज नहीं है। और ये दे रखा है क्लोरीन Cl2 गैस। ये हमें दे रखा है कितना बच्चों? 0.58। गाइस, सेल रिएक्शन लिखे बिना मत करना क्वेश्चन को, फिर कह रहा हूं। अरे ये मैंने ध्यान नहीं गया मेरा। अच्छा, नॉट लिखा हुआ है ना? मैंने, मेरे को लगा मैंने नॉट नहीं लिखा है, नॉट लिखा हुआ है। करो गाइस, इसे करो। करो गाइस, खुद से करो फिर। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बच्चों? नाइस। बच्चों को समझ आ रहा है या सिर के ऊपर से जा रहा है? यही आया है, नहीं आया या कुछ और आके बैठ गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सेम आया है। दैट इज सो नाइस, गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? ओके फाइन। Na2+ थी, दिस वाज द ओवरऑल सेल रिएक्शन, दिस वन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। Na3- प्लस 2H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ सेल लिया है अभी तक। हम क्या ले रहे थे? ईएमएफ ऑफ सेल, मतलब कंप्लीट सेल रिएक्शन थी। अब हमें हाफ सेल दे रखा है, गिविंग Na2+H2O। E0 रिडक्शन हमें दे रखा है, बेसिकली Na3- 2 Na2 हमें दे रखा है एज 0.78 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों? और हमें कहा गया है हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन।
रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या मतलब है बच्चों, बताना गाइस। गाइस बताओ, मतलब हमारे इक्वेशन में क्या दिक्कत आएगी? इक्वेशन के हिसाब से बताओ कि क्या चीज हमें क्या लेनी है। H प्लस इज गोइंग टू बी 10^7, -7। H प्लस और OH माइनस दोनों 10^7 लेंगे, क्योंकि वी आर गिवन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन pH 7। 298 पे pH 7 होता है। हाँ है ना, क्लियर है गाइस? ये याद आ रहा है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा pH पे क्या इफेक्ट पड़ता है ऑफ प्योर वाटर। अच्छा हाँ बताया तो था, आंसर भी बच्चे ने सही दिया है। रीजनिंग याद नहीं हो, हम रटते हैं। नाइस, आइडिया क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में उठ के आ रखा है, याद होना चाहिए। मैं क्या बता रहा था, इक्वेशन लिख रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, NO2 और NO3 माइनस के बारे में कुछ नहीं बता रखा, उसको वन मान लो, उसको वन मान लो, ठीक है ना गाइस? तो ये सिंपली हमारा क्या बन जाएगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि हमें दे रखा है। न्यूट्रल है तो pH इज 7, या H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज 10^-7। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? वन सेकेंड गाइस। हाँ बच्चों सुनाई दे रहा है क्वेश्चन, गाइस सुनते आना। सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इन विच CU रॉड इज डिप इज डाइल्यूटेड टू 10 टाइम्स रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज या डिक्रीज बाय इतना वोल्ट। पूछा गया है रिडक्शन पोटेंशियल विल इंक्रीज और डिक्रीज एंड बाय हाउ मेनी वोल्ट। हाँ हाँ बोलो बेटा, ये इक्वेशन या रिएक्शन? ठीक हाँ बेटा, अब ध्यान दो इंपॉर्टेंट चीज, रुक जाओ बच्चों। ये देखो, इंक्रीज या डिक्रीज तुम वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे? रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करी गई है, हम क्या कहना चाह रहे हैं, Cu2+ गिविंग Cu। हम रिडक्शन पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं, बढ़ेगा या घटेगा जब तुमने डाइल्यूट कर दिया 10 टाइम, मतलब कंसंट्रेशन अगर पहले एक्स थी, अब क्या हो चुकी है, x/10। हम कहेंगे भाई ये काम इंक्रीज या डिक्रीज, तो इजीली हम ऐसे लिए पता लगा सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल है जब तुम कंसंट्रेशन Cu2+ की बढ़ाते हो, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी नहीं जाएगी? और फॉरवर्ड जाएगी मतलब रिडक्शन विल बी फेवर्ड। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? रिडक्शन फेवर्ड का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। अब हमें कहा गया हमने डाइल्यूट कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन Cu2+ की क्या कर दी, कम कर दी। अब कम करोगे तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी? रिएक्शन जब तुम कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए, मतलब हमारा रिडक्शन होने की टेंडेंसी कम हो गई, मतलब हम कह सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल विल डिक्रीज। बाय व्हाट अमाउंट, वो समस्या है, ठीक है ना बच्चों? तो एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, पहले ई रिडक्शन ओल्ड वॉज ई नॉट रिडक्शन -0.059 बाय 2 log 1/x। कोई दिक्कत यहां तक? ई रिडक्शन न्यू इज ई नॉट रिडक्शन -0.059 बाय 2 log x/1/x/10। कंसंट्रेशन 1/10 हो जाएगी ना गाइस, डाइल्यूटेड 10 टाइम।
अब हम कहेंगे ई रिडक्शन न्यू माइनस ई रिडक्शन ओल्ड, क्या आएगा बच्चों ये? आएगा ये नहीं आएगा? सिंपली देखो ये 10/x है, डिवाइडेड बाय 1/x, 10 बच जाएगा। क्लियर है बच्चों? पहली चीज है नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये काम कर दो 0.06/2, 0.03 कर दो, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव का मतलब है रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बाय अमाउंट ऑफ 0.03 वोल्ट। मैंने 0.059 को 0.06 उठाया था। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? तो अब एक काम करते हैं, जो मैंने अभी चीज बताई कि आसानी से पता लगाना कि रिएक्शन तुम्हारी फेवर्ड होगी या नहीं, उसी के बेसिस पे बताओ। इसका हम ईएमएफ ऑफ सेल कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी बताता हूं। कंसंट्रेशन ऑफ टीएल प्लस और CO2 प्लस की कंसंट्रेशन को कैसे चेंज किया जाए कि ईएमएफ ऑफ सेल इंक्रीज हो जाए? गाइस देखो, दो तरीके से कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन है तो नॉन्स इक्वेशन लिखो और आइडेंटिफाई करो ये वैल्यू कैसे बढ़ेगी, कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे बढ़ाओगे बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ टीएल प्लस एंड CO2। मैं कहूंगा एक बार तो सेल रिएक्शन लिख लो। डू यू रियलाइज ये इक्वेशन बनेगी दोनों की बढ़ाकर? गाइस इसकी कंसंट्रेशन कम कर दो, इसकी बढ़ा दो, फॉरवर्ड जाएगा नहीं आएगा? गाइस समझ में आया नहीं आया? टीएल प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दो, CO2 प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ईएमएफ ऑफ सेल बढ़ जाएगा। और अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इक्वेशन लिख लो। तो दोनों से ही आंसर तुम्हारा वही आएगा। हमें ये क्या चाहिए? हमें ये वैल्यू कम चाहिए, नेगेटिव में ये वैल्यू, मतलब इट इज डिक्रीजिंग द अमाउंट, वी नीड दिस वैल्यू टू बी स्मॉल। स्मॉल कैसे होगा? CO2 प्लस बढ़ा दो, TL प्लस कम कर दो। समझ आया नहीं आया बच्चों? किसी बच्चे को डाउट यहां तक? नाइस, क्वेश्चन करते हैं। एक्सेस of zinc is added to 1 molar solution of copper sulfate. Find concentration of CO2 plus at equilibrium. हमें ई नॉट ऑफ जिंक दे रखा है एज -0.76 वोल्ट, ई नॉट ऑफ कॉपर दे रखा है एज 0.34 वोल्ट। गाइस कंसंट्रेशन पूछी गई है इक्विलिब्रियम, बेस्ट तरीका तो ये है के इक्विलिब्रियम बनाओ, निकालो, ठीक है ना बच्चों? और उसके बाद इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है गाइस? नहीं ऐसे मत बोलो, हो जाएगा। पहले के इक्विलिब्रियम निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, एंड देन इट बिकम्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ के इक्विलिब्रियम, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। पहली एक्सप्रेशन में मत डाल के बैठ जा, ठीक है ना गाइस? सबसे पहला तो काम है रिएक्शन लिखो, क्या रिएक्शन होगी? Zn plus CO2 plus giving Zn 2 plus plus CU, हाँ है ना, प्लस सी। इनिशियली CO2 प्लस कितना है बच्चों? इनिशियली CO2 प्लस कितना है? 1 मोलर। अब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, कुछ ऐसा बनना चाहिए,
हाँ है ना, तुम इसे कर सकते हो, इसे तुम कैसे कर सकते हो मैं बताता हूँ। ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल विच इज 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.7 से माइनस 0.059 बाय टू लॉग के इक्विलिब्रियम होता है, नहीं होता है बच्चों? के इक्विलिब्रियम की जगह लिख दो एक्स बाय वन माइनस एक्स। कुछ समझ में आया नहीं आया? अब गाइज लेकिन आई वुड रिकमेंड कि यहां पे तुम ऐसे मत लिखो, इसकी जगह क्या लिखो गाइज? के इक्विलिब्रियम। पहले के इक्विलिब्रियम निकालो और फिर ये काम करो जो तुमने अभी किया है, उसका रीजन बता देता हूं गाइज। ये जो वन माइनस एक्स एक्स करते थे, ये कब करते थे हम? जब वैल्यू आती थी छोटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये हर एक जगह करते हैं, लेकिन आइडियाज ये ज्यादातर हम कब सॉल्व करते थे ऐसे, एक्स बाय वन माइनस एक्स इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, एंड के इक्विलिब्रियम इज वेरी स्मॉल। स्मॉल का मतलब एक्स इज वेरी वेरी लेस देन वन। तो ये जो एक्स बाय वन माइनस एक्स है, ये सिंपली क्या बन जाएगा? एक्स बाय वन। तो हमें के इक्विलिब्रियम पहले निकाल ले, उसके बाद करेंगे तो वी हैव मच बेटर आइडिया कि क्या करना है। अभी तुमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में पूछा था ना वैल्यू कितनी आ रही है, बहुत बड़ी आ रही। अब बड़ी आ रही है तो हमारा जो करने का तरीका है वो तुम्हें याद हो, थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम, हम रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड भेज देते हैं और फिर बैकवर्ड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन उस टाइप का बनेगा। इट इज बेटर तुम पहले के इक्विलिब्रियम निकालो फिर क्वेश्चन को करो। नहीं बेटा ये हमारा जब करेंगे, पहले क्यू था, हाँ है ना? अब इक्विलिब्रियम पूछा गया तो ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो चुका है और क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो हमारा बेसिकली तुम सिंपली ये कर सकते हो, दिस इज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय टू लॉग के इक्विलिब्रियम। उससे हम के इक्विलिब्रियम निकालेंगे और के इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम। अभी देखते हैं, देखते हैं, लेट अस स्टार्ट गाइस। ये वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ बेटा, हाँ बच्चों, ओके जस्ट अ सेक गाइस। हाँ बच्चों मैं क्या कह रहा था, आप ध्यान दो। आप ये चीज समझ आई नहीं आई? मैंने अभी क्या बताया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय टू लॉग क्यू, राइट? ये होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो ईएमएफ ऑफ सेल्स जीरो हो चुका, क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम आ चुका। मतलब तुम ऐसे करो या डायरेक्टली देख लो, ई नॉट सेल कितना आ रहा है बच्चों? 1.1 इज इक्वल टू 0.059 बाय टू लॉग के इक्विलिब्रियम। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? जरा सॉल्व करके देखते हैं, ये के इक्विलिब्रियम आता है, मैं बता रहा हूं, इट कम्स आउट 2.2 बाय 0.59, 0.059। ये वैल्यू ही बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम आता है तुम्हारा 2 × 10⁻³⁷, इतना आ गया। हाँ बेटा, बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें, लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 37.3। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जो भी तुम्हारा आगे है, एज लॉन्ग एज इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, ये जाता है पावर में। क्लियर है बच्चों? और जो डेसिमल के बाद वाली चीज है उसका एंटी लॉग निकालना। यार तुम्हें याद होगा 0.3 का जो एंटी लॉग है वो तो 2 आता, हाँ है ना बच्चों? तो इट इज 2 × 10⁻³⁷। बाई चांस तुम्हारा, बाई चांस तुम्हारा होता -2.3, तो उसे क्या करते गए? हमें ये वैल्यू पॉजिटिव बनानी पड़ती है, तो ये बन जाएगा -3 + 0.7, ये जाएगा पावर में, इसका एंटी लॉग निकालो तो 5 आता, तो इट विल बी 5 × 10⁻²-। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? अगर कोई वैसे वैल्यू आ रही है तो ब्लॉक के आसपास हाँ, तो वो तुम कर सकते हो, जो लॉग के मतलब जो तुम्हें बताया गया है वो लॉग की वैल्यूज आएंगी वो तो कर लोगे। हाँ बस वही करना गाइस। ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने अभी बोला? के इक्विलिब्रियम आ गया एंड इट इज कमिंग आउट वेरी ग्रेट वैल्यू, ठीक है ना गाइस? तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, ये जो मैंने एक्स बाय वन माइनस एक्स बोला था ये नहीं है। तुम पहले से पूरा फॉरवर्ड भेज दो कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट होगा
रिएक्टेंट इज गोइंग टू बी इन वेरी लेस अमाउंट, के इक्विलिब्रियम इज वेरी लार्ज। हाँ है ना बच्चों, तो क्या बनेगा ये, क्या बनेगा ये बच्चों बताओ, बच्चे बोल ही नहीं रहे। पहले पूरा हमने फॉरवर्ड भेज दिया, पहले हमने क्या कर दिया, पूरा फॉरवर्ड भेज दिया, ये वन था, इसको मैंने पूरा फॉरवर्ड भेज दिया, ये वन बन गया। क्लियर है गाइस? अब बैकवर्ड जाओ, वन माइनस एक्स एक्स, कोई डाउट यहां तक बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर फॉरवर्ड का 2 × 10⁻³7 है, इट विल बी 1/2 × 10⁻³7, एंड दैट विल बी एक्स बाय वन माइनस एक्स। और हम कहेंगे यार ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसको सिंपली एक्स बाय वन कर दो, मतलब एक्स अब तुम्हारा आई क्या, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? एक्स इज गोइंग टू बी 5 × 10⁻³⁸। गॉट इट और नॉट बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई जो मैंने बताया है? क्लियर? पहले तुम जब तुम्हारा हमें बोल रखा है इक्विलिब्रियम पे, तो ईएमएफ ऑफ सेल कर दो जीरो, के इक्विलिब्रियम निकालो, और के इक्विलिब्रियम क्या, देन इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, सिंपल क्वेश्चन रिलेटिव, कि रिएक्शन तुम्हारी पूरी फॉरवर्ड चली गई तो बैकवर्ड इक्विलिब्रियम हम एस्टेब्लिश करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई ना, जो मैंने ये बताया है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना गाइस? मतलब हम पूरा फॉरवर्ड भेज देंगे, देन वी विल एस्टेब्लिश बैकवर्ड इक्विलिब्रियम। हो गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ओके एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सेल, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल है पीटी Pe3+2 molar, Pe4+1 molar, Cr3+1 molar, Cr2O7 2 minus 2 molar, H+1 molar, एंड यू हैव गॉट प्लेटिन। ई नॉट हमें दे रखा है Ce3+2 Ce4+, ये हमें क्या दे रखा है बच्चों, वी आर गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा हमें दे रखा है Cr2O7 2 minus 2 Cr3+1.3, ये हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। गाइस निकालो इसे पढ़ना कैसे, ऊपर से नीचे ऊपर से बेटा, नीचे करना ये है। हमारा प्लेटिनम को तो इग्नोर ही कर दो, यहां पे ऑक्सीडेशन करना है, इस पे रिडक्शन करना है, दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिखो, उनको ऐड करो, एंड गेट योर आंसर। गाइस करो इसे, डू इट, इट इज अ नाइस क्वेश्चन, नाइस इन द सेंस डिफिकल्ट नहीं है, लग रहा है डिफिकल्ट है, करो इसे, नहीं तुम देखना मत ना। अच्छा क्वेश्चन लिख रहे हो, ओके टेक योर टाइम बच, एंड टेक योर टाइम, कर लिया नोट? हो जाए तो बता देना बच्चे।
बच्चों, हुआ या नहीं हुआ? सेम आया है, वेरी नाइस। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? बोलो गाइस, हो गया क्लियर? मालूम हाँ बेटा। बच्चों गाइस, इक्वेशन हैव अ लुक। क्या बैलेंस नहीं किया? क्रोमियम को बैलेंस को बैलेंस नहीं किया होगा। क्रोमियम बैलेंस नहीं किया था ना बेटा? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.7 था, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.7। अब यहाँ पे ई नॉट सेल हमारा नेगेटिव आ रहा था, डजेंट मैटर फॉर अस। क्लियर है गाइस? जो दे रखा है उसी हिसाब से कर लो। हाँ बेटा बिल्कुल, हमें क्या फर्क पड़ता है कि ई एम एफ ऑफ सेल पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा ठीक है ठीक है। बच्चों प्लीज, है। वन सेकेंड बच्चों। बच्चों करो, कैसे करोगे गाइस? चेंज इन हीट कंटेंट मतलब डेल्टा एच पूछा है, एंट्रोपी चेंज भी पूछा गया है। डेल्टा एच, पहले रिएक्शन लिख देना गाइस। ओके गाइस, भाई एजी सीएल गिविंग एजी का मतलब है एजी प्लस गिविंग एजी बेसिक। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चों? गुड, मतलब ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस टाइप की दिख रही है, नहीं दिख रही है गाइस? हाँ है ना बच्चों? राइट, तो यहाँ पे हमारा एन क्या होगा गाइस? टू। डेल्टा एस क्या आएगा? टू इंटू एफ एन एफ डी सेल बाई डी टी। सकते हैं हाँ बेटा, हाँ और ये आंसर हमें किस में देगा बच्चों? जूल में। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? बच्चे बोल ही नहीं रहे अब। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, चेंज इन हीट कंटेंट, हीट कंटेंट इज एंथैल्पी बेटा। हाँ तो वो हम मान के चल रहे रिएक्शन में तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे ही होती है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब आते हैं ठीक है।
माइनस टू इंटू एफ इंटू ई सेल। ई सेल कितना था? टेम्परेचर मैंने कहीं बोला था, ऊपर लिखा था 25 डिग्री सेल्सियस। यहां से डेल्टा एच आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? एन समझ में आ रहा है? 2 है। और अगर मैं कहूं फाइंड डेल्टा एच एंड डेल्टा एस व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। इसी में मैंने चेंज कर दिया, व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल। यहां पे हमें एन 1 उठाए बेटा। 1 फैराडे का मतलब है ये जो हमारी ये रिएक्शन थी, दिस वाज फॉर अगर 1 मोल CD 2 मोल Ag+ के आते, मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या है, 1 मोल CD है, 2 मोल Ag+ है, गिविंग 1 मोल CD2+ एंड 2 मोल Ag। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स ना, मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन यूज्ड अप प्रोड्यूस, मतलब ये हमारे ये सेल ने 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी करी। हमें कहा गया विद दैट ओनली 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, तो Nm1 उठाएंगे। क्लियर है गाइस? Nm1 यहां पे भी आएगा, Nm1 यहां पे भी आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई डाउट यहां तक? एक चीज का और ध्यान देना, यहां से जो डेल्टा एच निकल रहा है वो हमारा जूल में निकल के आ रहा है। कई बार आंसर किलो जूल में पूछा होगा। ओके गाइस, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट? कोई भी डाउट नहीं, दैट इज नाइस। अब एक स्पेशल क्वेश्चन दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ध्यान से सुन। फाइंड Kc फॉर द कॉम्प्लेक्स, मतलब इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन। AgNH3 ट्वाइस प्लस गिव्स Ag+ प्लस 2NH3। हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए। हमें दिया क्या हुआ है? Ag+ गिविंग Ag। रिएक्शन पोटेंशियल इसका दे रखा है और AgNH3 ये हमें दे रखा है एज 0.37। बेटा बेटा ये, हाँ वो मैं भी बताता, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं बताता। यहां तक कोई डाउट गाइस अभी तक? एक्सेप्ट दैट ये वाला पार्ट गाइस। देखो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कहां से निकालते हैं? अगर हमें ई नॉट सेल पता है तो वी नो ई नॉट सेल इज 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना गाइस? हम क्या चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन है, ओवरऑल जो रिएक्शन है ये हमारा, मतलब ये जो रिएक्शन हमें दे रखा है जिसका के इक्विलिब्रियम हमें निकालना है, दिस शुड बिकम द सेल इक्वेशन। सेल रिएक्शन ये होनी चाहिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन ये बननी चाहिए। गेटिंग द आइडिया और नॉट? अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन ये बन जाएगी तो वी कैन यूज द फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। हमारी जो रिएक्शन है वो क्या बन जानी चाहिए? ये ओवरऑल सेल रिएक्शन। गॉट इट और नॉट? और उसके लिए हमें दो पोटेंशियल दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल Ag+ गिविंग Ag का एंड AgNH3 ट्वाइस प्लस गिविंग Ag+NH3 का। गॉट इट? मैं बताता हूं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें Ag+ गिविंग Ag दे रखा है,
इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है बच्चों बताना? 0.8। और दूसरा हमें क्या दे रखा है बच्चों? ए जी एन एस थ्री ट्वाइस प्लस गिविंग ए जी प्लस टू एन एस। ये रिडक्शन पोटेंशियल हमें कितना दे रखा है बच्चों? 0.37। समझे या नहीं समझे गाइस? अब हमें इन दोनों को यूज करके, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, एक रिएक्शन हमें कैथोड बनाना है, एक एनोड पे बनाना है, एंड ओवरऑल सेल रिएक्शन शुड बी दिस। गॉट इट और नॉट? तो इसे कैसे करते हैं वो देखो। हमें दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, उससे हमें एक सेल बनाना है जिसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये हो। गॉट इट और नॉट? क्लियर हुई ये चीज है? नहीं हुई? दो रिडक्शन पोटेंशियल पकड़ा रखे हैं, उससे हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन ये ऊपर वाली बना है। गॉट इट? हाँ, मैं अभी वही करने वाला हूं। ध्यान से देखो, पहले एक काम करते हैं, ए जी को ए जी प्लस करते हैं। दिस इज द रिएक्शन अकरिंग एट एनो, दिस इज द रिएक्शन एट एनो। कैथोड पे हम ये वाली रिएक्शन कर देते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? दिस इज द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड दिस इज द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? हमने ये रिएक्शन एट एनोड मान ली, ये रिएक्शन एट कैथोड मान ली। अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आएगी बेटा? यू ऐड दीज टू, डू रियलाइज? यही बन जाएगा ए जी एन एस सी ट्वाइस प्लस गिविंग ए जी प्लस प्लस टू एन एस सी, जो हमारी ऊपर रिएक्शन दे रखी थी जिसका हमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट निकालना था। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? किसी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इसको ऐसे समझाता हूं। तुम्हें दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे, से जिंक और कॉपर, ठीक है? अब हमें कहा गया है, मैं ऐसे समझाता हूँ, ई नॉट जिंक का दे रखा है, ई नॉट कॉपर का दे रखा है, ओके? और हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, क्वेश्चन को उससे रिलेट करो जो मैंने अभी बोला है। हमें दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया, तो तुम क्या करोगे? तुम एक ऐसा सेल बनाओगे जिसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये बन जाए, ठीक है ना? उस सेल में तुम रियलाइज कर गए होगे, दिस मस्ट बी एक्टिंग एज एनोड, दिस मस्ट बी एक्टिंग एज कैथोड। अब हम ई नॉट सेल निकाल लेंगे, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था, ई नॉट सेल आ गया, विल बी इक्वल टू 0.059 बाई 2 लॉग के इक्विलिब्रियम। वहां से के इक्विलिब्रियम आ जाए। कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? अब यही काम हम ऊपर कर रहे हैं, एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। यहां पे क्या था, ये क्वेश्चन आसान क्यों है? क्योंकि इसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप क्लियरली दिख रहे हैं, ऊपर वाले में एक क्लियरली नहीं दिख पा रहा। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होनी थी, दिस शुड बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चे? हमें दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं? इसका इनऑड रिडक्शन दे रखा है 0.8, इसका इनऑड रिडक्शन दे रखा है 0.37। हाँ बेटा बोल। क्या बेटा ये सर जो वैल्यू दे रखी 0.37 पोटेंशियल, हमें क्वेश्चन यहां तक दे रखा, दिस इज द क्वेश्चन। नहीं नहीं मैंने कुछ ऐड, ये यहाँ पे और क्वेश्चन इज ओवर। क्लियर है गाइस? अब तो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है? पहले ये देखो, राइट डाउन बोथ द रिएक्शन, दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिख डाल, ठीक है ना गाइस? ए जी प्लस गिविंग ए जी लिख लिया, एंड दिस ए जी एन एस सी ट्वाइस प्लस गिविंग ए जी प्लस एन एस सी लिख दिया। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? सेकंड समझ आया? ए जी एन एस सी ट्वाइस प्लस गिविंग ए जी प्लस एन एस सी। क्लियर और नॉट? ये दोनों रिएक्शन मैंने लिख दी, दिख रही नहीं दिख रही है बच्चों, ये और ये। अब इनसे हमें एक ऐसा मतलब बनाना है सेल जिसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये बन जाए। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, ए जी एन एस सी ट्वाइस प्लस तो लेफ्ट में होना चाहिए, यहाँ पे भी लेफ्ट में, इसको एज इट इज रखो, ठीक है ना गाइस? इस रिएक्शन को चेंज मत करो, इसको एज इट इज रखो।
और तुम्हें Ag प्लस राइट हैंड साइड में चाहिए, तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर। रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, ये एनोड बन गया। हमने तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखे थे ना। अब अगर मैं कह रहा हूं कि AgNH3 प्लस Ag+2NH3 दे रखा है, दे रहा है, ये तो हो गया रिडक्शन, मतलब ये हो गया कैथोड पे जो रिएक्शन हो रही है। और एनोड पे क्या हो रहा होगा, Ag गिविंग Ag प्लस। इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देना ऊपर वाली रिएक्शन को, सो दैट वी गेट द ओवरऑल रिएक्शन एज दिस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? हम क्या चाह रहे हैं कि ओवरऑल सेल रिएक्शन हमारी ये बन जाए। उसके लिए इसको दो, इसको दो एज इट इज रखा, और इसको रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया मतलब ये एनोड बन गया। यहां पे Ag इज गिविंग Ag प्लस मैंने लिख दिया, और यहां पे हो गया रिडक्शन। कोई डाउट यहां पे? अब हमें E नॉट सेल क्या आएगा बच्चों, बताना जरा, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ। हाँ यस, E नॉट सेल इज गोइंग टू बी कैथोड माइनस एनोड, इट इज गोइंग टू बी 0.37 माइनस 0.8। ये चीज समझ में आई नहीं आई? इट इज गोइंग टू बी 0.37 माइनस 0.8। ये कैथोड है, ये एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था। E नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.059 बाय एन। एन यहाँ पे क्या है गाइस, जरा सोच के बताना, किसी भी हाफ सेल को देख लो, एन क्या आ रहा है, एन इज वन। लॉग के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम में तो पूछा था क्वेश्चन में, हो गया नहीं हो गया? समझ में आई ये चीज या नहीं आई? के इक्विलिब्रियम आ गया हमारा, गॉट इट और नॉट गाइस, फील सही है नहीं? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट? गुड, नाइस, आगे चले बच्चे। क्वेश्चन शुभ्रांशु बेटा क्या हुआ? हाँ जेतर बेटा बताओ क्या डाउट है, समझ में आ गया है जो मैंने किया है? हमें रिडक्शन पोटेंशियल दो के दे रखे थे, उन दोनों से हमने एक ऐसा सेल बनाया जिसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये है, क्योंकि इसी रिएक्शन का हमें के इक्विलिब्रियम पूछा गया। क्लियर है गाइस, समझ में आया नहीं आया? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? हाँ बोलो बेटा। के बेटा 2.8 नहीं आ रहा, 6 × 10⁻⁸ आ रहा है, आया नहीं आया? अच्छा ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आया नहीं आया? अरे यार इवन रुक जाओ। हाँ तो गाइस ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना, जो मैंने अभी करवाया था दिस वन, कि हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन ये बनानी, राइट? और हमें दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे थे, AgNH3 प्लस गिविंग Ag+NH3, राइट, एंड Ag+ गिविंग Ag। इन दोनों को यूज करके हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन ऊपर वाली बना दी, एंड वी गॉट अवर आंसर गाइस, के इक्विलिब्रियम था। अब EMF ऑफ सेल इज वन पॉइंट जीरो फाइव वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें देखा है प्लेटिनम S2 180 mm, NaOH 0.1 मोलर, NaCl 0.1 मोलर, AgCl Ag ये दे रखा है बच्चों, बताओ। बताता हूं गाइस। हमें पहला कहा गया राइट डाउन द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन गाइस, ये जो H2 गिविंग OH माइनस है, तो तुम्हें दिख रहा होगा ये एक है, और इस टाइप का तुमने एक पहला केस देखा है, पहले देखा है पिछली क्लास में। रिडक्शन करोगे तो इट विल बी काइंड ऑफ Ag+ गिविंग Ag, हाँ है ना बच्चों? एक्चुअली इट विल बी AgCl गिविंग Ag+Cl-, याद है Ag2Cl2 वाला केस किया था हमने? ये उस पैटर्न पे चलेगा, पहले वाले को देखते हैं।
यू विल हैव एच टू गिविंग एच प्लस, पहला है हमारा एच टू गिविंग एच प्लस। एच प्लस है जिसमें ओ एच माइनस कितना है 0.1, द सॉल्यूशन हैज ओ एच माइनस 0.1, तो एच प्लस उसके अकॉर्डिंगली निकाला जा सकता है। समझ तो आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चे? हाँ बेटा ले सकते हैं, लेकिन आइडिया इज कि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में कि एच टू गिविंग ओ एच माइनस कहाँ से आ गया, ओ को भी फिर बैलेंस करना पड़ेगा, एच टू ओ एड करना पड़ेगा, तो करा जा सकता है, बट इट इज बेटर लाइक दिस। ठीक है, अभी क्वेश्चन में एक और पार्ट भी है, तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। एच टू गिविंग टू एच प्लस हो गया, ये हो गया एनोड, कैथोड पे क्या होगा बच्चों? इट विल बी एजी प्लस गिविंग एजी, या टू बी एग्जैक्ट एजी सी एल गिविंग एजी प्लस सी एल माइनस। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बी एजी सी एल गिविंग एजी प्लस सी एल माइनस। समझे या नहीं समझे गाइस? तो व्हेन यू बैलेंस इट यू विल हैव एच टू प्लस टू एजी सी एल गिविंग टू एच प्लस प्लस टू ए जी प्लस टू सी एल माइनस। समझे या नहीं समझे गाइस? हाँ बेटा बोलो। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बेटा? हाँ बेटा बोलो। पर ये लो, ये अब ठीक है, हो गया गुड। हाँ बच्चों यहां तक समझ गए तुम? वन सेकेंड, इसको क्या हो गया, ये हैंग क्यों हो गया? वन सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी वन सेक। हाँ तो यहां तक क्लियर है? अब हमें पूछा गया है फाइंड के डब्ल्यू ऑफ वाटर। यार के डब्ल्यू तो हमें पता होता था पहले, 10^-14। अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड के डब्ल्यू, और हमें एक चीज और दे रखी है, वी आर गिवन ई नॉट सेल इज गिवन टू अस, ई नॉट सेल इज गिवन टू अस एज 0.23 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? हमें बेसिकली इसका रिडक्शन पोटेंशियल सही पूछा जाए तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहा होगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल रहा होगा 0.23, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहा होगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? जिससे हमारा ई नॉट सेल कितना आ गया, 0.23 आ गया। गॉट इट और नॉट गाइस? ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं कह रहा हूं इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल पकड़ा दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसका तो हमें पता है शुड बी 0। क्लियर है? मतलब हमें यहाँ पे ये भी दिया हो सकता था, रेदर देन गिविंग ई नॉट सेल इज 0.23, वी माइट हैव बीन गिवन ई नॉट रिडक्शन ऑफ दिस एज 0.2। तो हमारा आंसर क्या होता है, 0.23 - 0। हाँ बेटा, क्योंकि 10^-14 हो सकता है एग्जैक्ट ना आए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में के डब्ल्यू पूछा गया है, तो अब हम क्या करेंगे? एक काम करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल होता है -0.059 बाय एन, क्या होगा बच्चों? टू लॉग एजी, तो सॉलिड है रहा है ना बच्चों, तो यू विल हैव सी एल माइनस की कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर इंटू एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ एच, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? यहां से तुम एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। ई सेल हमें दे रखा था 1.05 वोल्ट, ई नॉट सेल हमें पता है 0.23, यहां से एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब याद है या नहीं तुम्हें के डब्ल्यू क्या होता था? कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। ओ एच माइनस 0.1 है, एच प्लस अभी हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया, एच प्लस इंटू 0.1 विल बी के डब्ल्यू ऑफ एच। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गॉट इट?
विड़ा आवाज नहीं, मैंने बोला था H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यहां से निकल जाएगी। वन पॉइंट जीरो थ्री इक्वल टू 0.23 माइनस 0.059 बाय टू। सी एल माइनस कितना दे रखा था बच्चों हमें, 0.1 एक्स स्क्वायर। ये एक्स क्या हो गया बच्चों हमारा, एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। और हम क्या कहेंगे, के डब्ल्यू इज नथिंग बट एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू ओ एच माइनस आयन कंसेंट्रेशन। यार ओ एच माइनस हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कितना है, 0.1। तो यहां से हाँ एन यू एच जो हमें दे रखा था एन यू एच 0.1, तो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। एच प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है पूरा सॉल्व करने पे, इट इज कमिंग आउट 13.9। पी के डब्ल्यू इज 13.9। क्लियर हुई ये चीज़ें? नहीं हुई, के डब्ल्यू पूछा गया, मैं वैल्यू बता रहा हूँ, पी के डब्ल्यू इज 13.9, 14 आना चाहिए, इट इज 13.9 पी के डब्ल्यू। कौन सा बेटा, 1.05 था, 3 था, 5, 1.05, माई मिस्टेक। ठीक है बच्चों, 1.05। ओके गाइस, हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो तो हमारा थोड़ा मेरे ख्याल से लंबा नहीं जाएगा कि तुम लॉग एक्स की वैल्यू निकाल लो। मतलब देख लेना, मैथ अच्छी है तो आसान है, मैथ अच्छी है तुम्हारी तो यू कैन इजीली डू दिस। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय एसिडिक के एमिनोफोर या एमिनोफोर माइनस, के को भूल जाओ, एसिडिक एमिनोफोर माइनस इज कैरिड आउट इन सेल, इट इज कैरिड आउट इन सेल। हमें ई नॉट दे रखा है MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस का, इट इज गिवन टू अस एज 1.514। और हमें ई नॉट दे रखा है CO2 गिविंग C2O42 माइनस एज माइनस 0.49। गैस पहला तो रिडक्शन पोटेंशियल है, दूसरा क्या है बच्चों, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन है, सोच के बताओ। प्लस 4 से प्लस 3 में जा रहा है ऑक्सीडेशन से, इट इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। हमें पूछा गया है फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर सेल रिएक्शन। गाइस डू यू रियलाइज, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स वाला किया था। ई नॉट दे रखे हैं, इक्विलिब्रियम पूछा गया है फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन। हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम। समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे गाइस? अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, मतलब ऑक्सैलिक एसिड हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और MnO4 माइनस रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिएक्शन ये है जो हमें दे रखी है। पहले मैं इसे बैलेंस कर दूं, बैलेंस में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें एन चाहिए। ओके गाइस, और दूसरा रिएक्शन क्या है, ये रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइज क्या होगा, C2O42 माइनस ऑक्सीडाइज होगा टू गिव CO2। क्लियर और नॉट बच्चों? अब इसको इंटू 5 करो, इसको इंटू 2 करो, क्या बनेगा गाइस तुम्हारा, यू विल हैव 16H प्लस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O42 माइनस गिविंग 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 4CO2।
सॉरी 10 CO2। राइट गाइस, इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया। इस रिएक्शन का एन क्या आने वाला है गाइस? 10। तो हमारा और ई नॉट सेल क्या बनेगा? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है बच्चों? MnO4 माइनस गिविंग Mn2+, दैट इज अ कैथोड पे रिएक्शन। एनोड पे क्या है? ऑक्सैलिक एसिड गेटिंग ऑक्सीडाइज टू CO2। मतलब ई नॉट सेल विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ MnO4 माइनस वाला माइनस C2O4 2 माइनस वाला। क्लियर है गाइस? वैल्यू क्या निकल के आने वाली है बताना मुझे। 1.51 माइनस माइनस 0.49 विल बी इक्वल टू 0.059 बाय 10 लॉग के लिथियम। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे। बच्चों किसी बच्चों को डाउट? ग्रेट, यहां से के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हर एक बच्चे को मतलब क्लियर है ना? एक क्वेश्चन और लेता हूं। कोई पूछता है तुमसे Fe2+ गिविंग Fe3+ Fe, और कहता है क्या ये रिएक्शन क्या डिस ये कौन सी रिएक्शन है गाइस? हमारी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और एंड रिडक्शन ऑफ द सेम एलिमेंट। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? कोई पूछेगा इज डिसप्रोपोर्शनेशन स्पॉन्टेनियस, तो हम कैसे जवाब देंगे? हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सेल हमारा वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये सेल रिएक्शन है सही पूछा जाए तो। गाइस डू यू रियलाइज इसमें दो रिएक्शन हो रही है, Fe2+ गिविंग Fe3+, ये ऑक्सीडेशन है एट एनोड, दूसरा है Fe2+ गिविंग Fe रिडक्शन एट कैथोड। तो बेसिकली अगर कोई पूछता है कि इज द सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में इज इट स्पॉन्टेनियस और नॉट, मतलब ये होगा या नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इट विल बी ई नॉट सॉरी ई ऑफ Fe2+2 Fe माइनस ई नॉट या ई सॉरी ई नॉट क्यों बार बार मैं कर रहा हूं, Fe3+2 Fe2+। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट? ये चीज समझ में आई नहीं आई? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, अगर ये वैल्यू आ गई हमारी ग्रेटर देन 0, मतलब हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन इज स्पॉन्टेनियस। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है, इट कैन बी आस्क्ड। गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट। अगर हमें रिलेशन बिटवीन, हाँ नहीं थोड़ी सी थ्योरी है, पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल कंटेनिंग मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। गाइस एक काम करता हूं, सीधा क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। हमें ई नॉट पूछा गया है MnO4 माइनस गिविंग MnO2, ये हमें पूछा गया है, लेट दैट बी एक्स। दे क्या रखा है? हमें दे रखा है ई नॉट फॉर MnO4 माइनस गिविंग Mn2+। इसके ऊपर जेई में कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं ये। और सिमिलरली तुम्हें ई नॉट दे रखा है MnO2 गिविंग Mn2+ का एज 1.23 वोल्ट। हमें दो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तीसरे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। ओके, टू पोटेंशियल आर गिवन टू अस एंड वी आर आस्क्ड द थर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल। क्लियर है बच्चों? पहली चीज गाइस, जैसे तुम रिएक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे, तुम ई नॉट वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना गाइस? डेल्टा जी को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो? अगर ए गिविंग बी का डेल्टा जी एक्स है,
बी गिविंग सी का डेल्टा जी वाई है, तो ए गिविंग सी का डेल्टा जी क्या होगा, एक्स प्लस वाई। डेल्टा जी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डन इन द सेम वे। लेकिन डेल्टा जी वॉज एन एफ ई माइनस एन एफ ई, हाँ है ना। तो एक्चुअली एन एफ ई कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, जैसे तुम रिएक्शन को एड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रेदर देन सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग ई वैल्यू, एन ई कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से। तीनों रिएक्शन लिखो जो हमें वैल्यू दे रखी है, पहले मैं वो लिख रहा हूँ, एम एन ओ फोर माइनस गिविंग एम एन टू प्लस, दूसरा है एम एन ओ टू गिविंग एम एन टू प्लस। ओके गाइस, मुझे एक चीज बताओ, ये वन रिएक्शन होगी, ये टू होगी, हमें निकालना है किसके लिए बच्चों, एम एन ओ फोर माइनस गिविंग एम एन ओ। इट कैन बी रिटन एज ये थर्ड इक्वेशन, वो कैसे लिखा जा सकता है गाइस, वन माइनस टू कर दें काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा? सी कैन बी रिटन एज वन माइनस टू गाइस। अरे बच्चों बताओ हाँ या ना। अब जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा जी ऑफ सी कैन बी रिटन एज डेल्टा जी ऑफ वन माइनस डेल्टा जी ऑफ टू, हाँ है ना, क्लियर है? अब यहाँ पे तीनों के लिए एन देखो क्या होगा, डेल्टा जी इज एन एफ ई माइनस एन एफ, हाँ है ना बच्चों? तो मुझे बताओ इसके लिए एन क्या है, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, फाइव होगा नहीं होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, या इसे पूरे हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस कर लो। कई बार फाइव आसानी से दिख जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें रेडॉक्स आता है। अगर कई बार रेडॉक्स की मतलब पूरी हेल्प नहीं मिल पा रही, ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालने में दिक्कत आ रही है, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज कर लो। कैसे, एम एन ओ फोर माइनस गिविंग एम एन टू प्लस है, अभी तुमने सीधा बोल दिया फाइव बाय लुकिंग एट द ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे फोर एच टू ओ एड करो, यहाँ पे एट एच प्लस एड करो, यहाँ पे फाइव इलेक्ट्रॉन ऐड करो। अब तुम्हें पता चल गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं बच्चों, फाइव। ये लंबा तरीका हो गया, ये आयन इलेक्ट्रॉन हो गया कि हाफ रिएक्शन को हमने, हाफ सेल रिएक्शन को पूरा बैलेंस किया और फिर निकाला कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कर सकते हो तो दैट इज बेटर, अगर कर सकते हो, कई बार दिक्कत आ जाती है, उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि तुम पूरा इक्वेशन को बैलेंस करो, हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करो, और उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, दोज आर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड गाइस, दैट इज द एन। गॉट इट और नॉट, क्लियर हो गया? अब यहां पे देखो पहले वाली रिएक्शन के लिए एन क्या है बच्चों, फाइव, दूसरे वाले के लिए एन क्या है बच्चों, और तीसरे वाले के लिए एन क्या है बच्चों, सेवन से फोर जा रहा है, थ्री, क्लियर और नॉट? अब क्या मैं लिख सकता हूं इसका, हमारा ई नॉट कितना था बच्चों, इसका मान के चलो ई नॉट वन, इसका मान के चलो ई नॉट टू, और ये है ई नॉट थ्री, हमें ई नॉट वन और ई नॉट टू दे रखे हैं। ओके गाइस, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि डेल्टा जी थ्री कैन बी रिटन एज माइनस एन एफ ई नॉट थ्री, हाँ है ना बच्चों? ये नॉट ले लेते हैं क्योंकि सबका स्टैंडर्ड ही पूछा गया था ना। तो कैन आई से माइनस सी एफ ई नॉट थ्री कैन बी रिटन एज, ये क्या था बच्चों, दिस वॉज माइनस फाइव एफ ई नॉट वन माइनस माइनस टू एफ ई नॉट टू, क्लियर हुआ है नहीं भाई? तुम रियलाइज करोगे एफ कटेगा, तुम रियलाइज करो नेगेटिव साइन कटेगा, तो यार सिंपली एक काम करें, इतनी मेहनत जो हमने करी उसके बजाय इट वॉजेंट इट इजियर कि तुम एन ई को एड सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, एफ हर एक जगह कॉमन है, माइनस हर एक जगह कॉमन है, जब तुम रिएक्शन एड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे थ्री इक्वल टू वन माइनस टू किया, तुम थ्री का एन ई, वन का एन ई और टू का एन ई एड सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे तुम्हारी इक्वेशन बन सके। कोई अलग क्वांटिटी बात तो वही रहेगी जो यहाँ पर क्या, नहीं, कोई अलग क्वांटिटी नहीं मैं तो बता रहा हूँ कि तुम्हारा माइनस एन एफ ई होता है जब तुम्हें ई एम एफ ऑफ सेल निकालना है, या सॉरी ई एम एफ ऑफ इलेक्ट्रोड निकालना है,
हाफ सेल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पूछा गया है, तो उसमें तुम्हारा एफ भी कटेगा माइनस साइन भी कटेगा। तो इट इज सिंपली इजी कि तुम एनी को एड सब्ट्रैक्ट करो जैसे तुम्हें करना है। क्लियर है गाइस? मैं एक समझाता हूं तुम्हें, ये इतनी मेहनत हम नहीं करेंगे। आई एम इरेजिंग दिस इक्वेशन। हम कहेंगे वन का एन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन का एन क्या था, फाइव। तो फाइव ई नॉट वन माइनस सेकेंड इक्वेशन का एन क्या था, टू ई नॉट टू शुड बी इक्वल टू थ्री ई नॉट थ्री। ये हमारा एक्स था। निकलाएगा नहीं निकलाएगा बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? आसान है। तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, करके देखो। एफ ई थ्री प्लस टू एफ ई, इसका ई नॉट इज एक्स वोल्ट। एफ ई थ्री प्लस टू एफ ई टू प्लस, इसका ई नॉट इज वाई। तो एफ ई टू प्लस जेड हमें पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जेड हमें पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। करो बच्चों, डू दिस ऑन योर ओन। करो इसे। हाँ बेटा, हाँ वो जेड है। जेड को हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। जेड को हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। समझ में आया नहीं आया? क्या आया, क्या आया? जेड आ जाएगा थ्री एक्स माइनस वाई बाई टू। कितने बच्चों का ये बना है, थ्री एक्स माइनस वाई बाई टू बना या नहीं बना? हर एक बच्चे का बन गया। इसको अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो रिएक्शन को लिख लो। एफ ई थ्री प्लस गिविंग एफ ई, एफ ई थ्री प्लस गिविंग एफ ई टू प्लस, एफ ई टू प्लस गिविंग एफ ई। में हम क्या करेंगे, हमें एफ ई चाहिए राइट हैंड साइड में, तो ये एज इट इज रखा। एफ ई टू प्लस हमें चाहिए लेफ्ट साइड में, तो इसे इस रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। गेटिंग द आइडिया और नॉट? वन माइनस टू विल गिव अस थ्री, आए ना? और फिर हमने वन का एन ई माइनस टू का एन ई विल बी इक्वल टू थर्ड का एन, हाँ या ना? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? दैट इज नाइस। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इसी टाइप का, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एमएनओ फोर माइनस, हाँ हाँ इनऑड रिडक्शन दे रखा है। तो वैसे क्वेश्चन ओके गाइस फाइन, ये हम हाफ सेल रिएक्शन देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना गाइस? दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, तीसरी हम निकाल दें फॉर अ एलिमेंट इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? ये हमारा चार्ट बन गया। अब हमें पूछा गया है फाइंड ई नॉट फॉर एम एन ओ फोर माइनस गिविंग एम एन टू प्लस। बताओ बच्चों क्या हो? हाँ बच्चों करो गाइस इसे, डू इट क्विकली। डू यू रियलाइज इसको 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 इन सब रिएक्शंस को ऐड करोगे तो तुम्हारी एम एन ओ फोर माइनस गिविंग एम एन टू प्लस बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एम एन ओ फोर माइनस गिविंग एम एन ओ फोर टू माइनस, एम एन ओ फोर टू माइनस गिविंग एम एन ओ टू, एम एन ओ टू गिविंग एम एन थ्री प्लस, एम एन थ्री प्लस गिविंग एम एन टू प्लस। अब इन सबको ऐड कर दोगे रिएक्शंस को, ये चार रिएक्शन मैंने कितनी बताई है, एक दो तीन चार, चार रिएक्शंस को जब तुम ऐड कर दोगे
यू विल गेट एमिनो फोर माइनस गिविंग एम एन टू। अब उन चार रिएक्शंस का तुम एनी वैल्यूज को अकॉर्डिंगली ऐड करोगे। समझ में आया नहीं आया बताओ? तुमने सॉल्व कर दिया? यही आ रहा है बच्चों। वेरी नाइस। बेसिकली दिस इंटू वन, दिस इंटू टू, दिस इंटू वन एंड दिस इंटू वन। एंड तुम्हें समझ आ गया होगा? किसी बच्चों को डाउट फाइनल आंसर क्या रहा है? और एक चीज और बच्चों, ये ई नॉट नहीं होगा, ये हमारा फाइव ई नॉट होगा। फाइव ई नॉट, डोंट मेक दैट मिस्टेक गाइस। मेरा ध्यान नहीं गया बच्चों, समझ आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर, गुड। नेक्स्ट एम एन ओ फोर टू माइनस टू एम एन टू प्लस। सर तो बस वो फर्स्ट का छोड़ के बाकी सारा सेम रहेगा। ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। ये कितना आएगा बच्चों? फोर हो जाएगा, फोर हो जाएगा। हाँ ये आएगा तुम्हारा बच्चा। यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड ग्रेट, क्लियर हो गया। हाँ ये आसान क्वेश्चन है, दे आर इंपॉर्टेंट, आ रखे हैं जेई मेन में। क्लियर हो गया? इजी है, ये तो कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है मीन। गाइस यहां तक समझ आया नहीं आया? गाइस यहां तक समझ आ गया? ओके अब आते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल भाई, कंसंट्रेशन सेल एक्चुअली हमने कर रखा है, सही पूछा जाए तो वी हैव ऑलरेडी डन इट। कैसे? कंसंट्रेशन सेल में हम लेते क्या है, वी टेक आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स, वी टेक आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स इन सॉल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। Of different concentration. Guys, आवाज नहीं। बच्चों देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें, Ag, Ag plus, Ag plus Ag. This is a concentration cell. तुम्हें याद है जब हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया था, दोनों तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था क्योंकि, और लेकिन तुम्हारा जो कंसंट्रेशन थी H प्लस की वो डिफरेंट थी, प्रेशर ऑफ H2 था वो डिफरेंट था। दैट वाज अ एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड हमारा सेम है, कंसंट्रेशन हमारी डिफरेंट। समझ में आया नहीं आया? होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रहा था तुम्हें, ये जो एग्जाम्पल था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, जिसमें हाइड्रोजन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन ही रिड्यूस हो रहा है। आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? बेसिकली वी आर टेकिंग द सेम इलेक्ट्रोड बट वी आर टेकिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन या डिफरेंट प्रेशर का। क्लियर है? जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया वो भी एक तुम्हारा कंसंट्रेशन सेल है जिसमें दोनों साइड इलेक्ट्रोड इज सेम। तो कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल क्या आएगा ये बता दो। कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल क्या होगा? इट इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन। ई नॉट सेल क्या आएगा बताओ? ई नॉट सेल विल ऑलवेज बी जीरो। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? ध्यान से देखो गाइस, इसका अगर तुम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखोगे, ये सी वन मोलर मानो, ये सी टू मोलर मानो, तो रिएक्शन क्या होगी बच्चों? ए जी गिविंग ए जी प्लस सी वन
एंड यू विल हैव एजी प्लस गिविंग एजी ये सी टू। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी? एजी प्लस प्लस एजी गिविंग एजी प्लस प्लस एजी, ये हमारा होगा सी टू, ये हमारा होगा सी वन बच। हाँ है ना, इसको कई बार कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एजी प्लस कैंसिल आउट मत करना, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि वहां पे दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। ई नॉट सेल इसका हमेशा जीरो आएगा। ई सेल क्या होगा गाइस? ई सेल क्या होगा यहाँ पे? जीरो माइनस 0.059 बाय वन सी वन बाय सी टू। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? नो, इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि अगर हमारा सी टू ग्रेटर देन सी वन है तो हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस सेल स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा? सी वन अगर हमारा सी टू ग्रेटर देन सी वन है, इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। डैड यू रियलाइज ये लॉग के अंदर दिस वैल्यू विल बिकम नेगेटिव, और आगे ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन, इट विल कम आउट पॉजिटिव का। समझ में आया नहीं आया? इसमें देखो वन, इसमें देखो वन, ओवरऑल रिएक्शन में नहीं दिख रहा। एग्रीड, क्योंकि हमने एजी को काट दिया इसलिए नहीं दिख रहा। अदरवाइज यू कैन रियलाइज ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट? क्लियर हो गई ये चीज? तो अगर सी टू ग्रेटर देन सी वन है मतलब हमारा सेल इज स्पॉन्टेनियस। बच्चों फिर से आवाज कर रहे गाइस, सेल इज स्पॉन्टेनियस अगर सी टू ग्रेटर देन सी वन है। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड, हमने ये चीज हाइड्रोजन में करी थी। हाइड्रोजन में इट वॉज इवन मोर डिफिकल्ट, क्योंकि ना केवल कंसेंट्रेशन है वहां पे प्रेशर की टर्म भी उठ के आई। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो हमारे जो एक काम करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में लेते हैं, बेटर फील आएगी। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। एच टू पी वन एच प्लस सी वन एच प्लस एच टू सी टू पी टू, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेल बच्चों? ई नॉट सेल क्या होगा? वैसे भी जीरो आना चाहिए था, यहां पे तो वैसे भी आएगा क्योंकि तुम्हारा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हो, तो इनोड रिडक्शन तो हमारा कैथोड और एनोड का इंडिविजुअली जीरो आएगा। सेल तो जीरो आना ही आना था, इंडिविजुअल हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जीरो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा? रिएक्शन लिखोगा एक, मैं एक स्टेप में कर रहा हूं, यू आर नॉट सपोज टू डू इट इन अ सिंगल स्टेप। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? कई बार कहेंगे क्वेश्चन के अंदर कि तुम्हारा कंसंट्रेशन इज सेम, तो हमारा पी वन और पी टू के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट द सेल बिकम स्पॉन्टेनियस? पी वन शुड बी ग्रेटर देन पी टू। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको तुम वैसे भी रिलेट कर सकते हो, यहाँ पे प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ताकि रिएक्शन कहाँ जाए? फॉरवर्ड जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? और अगर प्रेशर सेम है तो कंसंट्रेशन कौन सी ज्यादा होनी चाहिए? सी टू शुड बी ग्रेटर देन सी वन बच्चों। अगर प्रेशर सेम है तो सी टू शुड बी ग्रेटर देन सी वन फॉर द सेल टू बी स्पॉन्टेनियस या फॉर द रिएक्शन टू बी एग्जर्ट ऑन। कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट नहीं? ओके, एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं,
जो कि यही है जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, वही फॉर्मूला है, ध्यान से देखो इसे। इट विल बी 0.059 पीएच एट एनोड माइनस पीएच एट कैथोड। सबके लिए बात प्लस हाफ लॉग प्रेशर एट एनोड बाय प्रेशर एट कैथोड। तुम रियलाइज करोगे अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो यही बनेगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ, दिस ईएमएफ ऑफ अ कंसंट्रेशन सेल फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई वुडंट रिकमेंड इट। अगर तुम्हें ऊपर वाला ढंग से समझ में आ गया है, आई विल नॉट रिकमेंड लर्निंग दिस, क्योंकि इट इज जस्ट मैथ, इट इज जस्ट मैथ। अच्छा नहीं है ना? आई एग्री। यहाँ पे एन को वन किया गया है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर इधर रूट लिया गया है और सॉल्व किया गया। इट जस्ट डिपेंड्स कि बच्चों को कितना समझ आए आ रहा है। मैथ्स जिनकी अच्छी है उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं मिटा दूं। दिस वॉज ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल फॉर्म बाय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके गाइस, तो अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दे दूं, H2SO4 HCl H2, ये 1 एटमोस्फियर, ये 0.1 मोलर, ये 0.01 मोलर और ये 2 एटमोस्फियर। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? गड़बड़ कहां पे कर सकते हो? H प्लस की कंसंट्रेशन एनोड साइड में 0.01 मत उठा लेना, इट शुड बी 0.02। समझे या नहीं समझे गाइस? नहीं, करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? नाइस। अब आते हैं थोड़ी थ्योरी। यू विल हैव टू राइट दिस थ्योरी डाउन एंड यू विल हैव टू, दो बार पढ़ लो, काम चल जाएगा। देन वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन, देन वी विल। हाँ बेटा बोलो। क्यों, क्या हो गया बेटा? अच्छा मैं रुको। वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ सेल, कुछ हाफ सेल हमने पढ़े हुए हैं, कुछ नए होंगे। ठीक है गाइस, सो लेट अस स्टार्ट। पहला, मेटल इन कॉन्टैक्ट विद आयन। यार यही तो हम कर रहे थे, Zn Zn2+, हाँ है ना, Cu2+Cu। गेटिंग द आइडिया नॉट? मेटल वॉज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयन। मतलब अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल देखूं तो कुछ इस टाइप की रिएक्शन हो रही होगी, Mn+ गिविंग एन एम। यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा? एन क्या आएगा बच्चों? ई नॉट रिडक्शन -0.059 बाय एन लॉग 1/Mn+। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है या नहीं ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? क्लियर है? ग्रेट। जैसे हमने जिंक कॉपर का देखा था, ये वही चीज है। नेक्स्ट आते हैं गैसियस इलेक्ट्रोड, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। गैसियस इलेक्ट्रोड भी हमने पढ़ा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन का तो हमें पता ही है, क्लोरीन का देखो, Cl2Cl-, क्या रिएक्शन होगी बच्चों? Cl2+2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग 2Cl-। तो यहाँ पे ई रिडक्शन विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन
-0.059 बाय टू लॉग सी एल माइनस आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ सी एल। हाँ या ना बच्चों, कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? थर्ड पे आते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। इसमें होता है एच जी। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? हाँ बेटा, एच जी कवर्ड विद एच जी टू सी एल टू। दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड, याद करने का है। मर्क्यूरस क्लोराइड या फिर इसे क्या बोलते हैं, कैलोमेल। इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो क्या बनेगी? यू हैव एच जी टू सी एल टू गिविंग एच जी प्लस सी एल माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तुम्हें याद होगा जब हमने फर्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, उसमें यही इक्वेशन एच जी टू सी एल टू गिविंग एच जी प्लस सी एल माइनस, टू एच जी प्लस टू सी एल माइनस। ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये सॉल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? कोई डाउट यहां तक? तो ई रिडक्शन क्या हो जाएगा? ई नॉट रिडक्शन -0.059 बाय एन क्या आने वाला है गाइस बताना? व्हाट विल बी एन फॉर द अबाउ रिएक्शन? अबाउ हाफ सेल रिएक्शन के लिए एन क्या होगा? टू लॉग सी एल माइनस कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? बेटा कहाँ पे? बेटा नहीं, मैंने मैंने ये बताया होगा कि एज रिडक्शन का देखा होगा ना बच्चे, एक बार देखो कंफर्म करो, जस्ट चेक इट। जस्ट चेक एंड लेट मी नो। रिडक्शन तो करेंगे ना बेटा, रिडक्शन तो करेंगे। तो तुम्हारा एज, मैंने ये बताया था एच जी टू सी एल टू इज एज गुड एज सेइंग एच जी टू टू प्लस, ये बोला हो। हाँ टू एच जी प्लस नहीं, सी सी एल टू लिखा है तुमने, तुमने वैसे कल लिखा है शायद। अरे ओवरऑल सेल रिएक्शन ना, ओवरऑल है ये रहा। दिस इज द वन सेकंड, एक मिनट दिखाना, टर्न इट प्लस। बेटा। ये यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए, कंफर्म दैट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पे आते हैं, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं गाइस। क्लियर हो गई ये चीज? ओके, मेटल इन सॉल्यूबल सॉल्ट ऑन आयन इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया एक एग्जाम्पल, हाँ ना बच्चों? अब इसका एग्जाम्पल है ए जी ए जी सी एल इलेक्ट्रोड, ये भी हमने किया है गाइस। देखो इन दिस वी टेक अ प्योर सिल्वर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ के सी एल सैचुरेटेड विद सॉलिड ए जी सी एल। गाइस को लिखा कैसे जाता है उसको समझो। पहले मैंने एच जी वाले का नहीं लिखा था ना, उसका भी लिख देता हूं। इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा एच जी टू सी एल टू सी एल माइनस। यहां पे इसको अगर दिक्कत है तो ऐसे मान एच जी टू सी एल माइनस।
बेसिकली इसको ऐसे देखा जाएगा, एच जी टू सी एल टू गिविंग एच जी प्लस सी एल माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एच जी टू सी एल टू गिविंग एच जी प्लस सी एल माइनस। यहां पे इसकी बात करते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा गाइस? ए जी सी एल सी एल माइनस। बेसिकली ए जी सी एल गिविंग ए जी प्लस सी एल माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज वॉट यू हैव गॉट इफ इट एक्ट्स एज अ कैथोड। बच्चों अगर ये हमारा, इफ दिस एक्ट्स एज अ कैथोड, दिस इज अ रिएक्शन यू विल ऑब्जर्व। ए जी सी एल गिविंग ए जी प्लस सी एल माइनस। बेटा रिडक्शन कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग एज कैथोड, रिड्यूस हो रहा है। बेसिकली इस रिएक्शन को सिंपली ये कहा जा सकता है, इट वॉज ए जी प्लस गिविंग ए जी। ये रिएक्शन वही है, ए जी प्लस गिविंग ए जी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर इस रिएक्शन को सोचा जाए, इट इज नथिंग बट ए जी प्लस गिविंग ए जी। क्लियर और नॉट? समझ गए? तो हमारा ये रिडक्शन हो रहा है, ए जी प्लस इज गिविंग ए जी प्लस सी एल माइनस, ए जी सी एल इज गिविंग ए जी प्लस सी एल माइनस। कोई डाउट यहां तक? हाँ बेटा यही आएंगे, अगर आएंगे तो सिर्फ यही आएंगे, सिर्फ यही आएंगे। -0.059 यहाँ पे एन क्या आएगा बच्चों? 1। क्लियर है गाइस? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना गाइस? या फिर तुम चेक कर सकते हो, ए जी प्लस ए जी में जा रहा है, एन इज गोइंग टू बी 1। आइदर यू बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ साइड्स में दिख जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, हाँ है ना बच्चों? या फिर तुम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो। ओके तो लॉग क्या आ जाएगा बच्चों? सी एल माइनस। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। नेक्स्ट पे आते हैं, 6। मर्क्यूरी, नहीं था हाँ ये 5th था ना, ये फोर्थ था, ये तरफ तो फो होगा। वन सेकेंड बच्चों, मैंने कौन सा करवाया था? ये 4th है तो 5th पे आना है। 5th, ओके नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। मर्क्यूरी, मर्क्यूरस, सल्फेट, इलेक्ट्रोड। मर्क्यूरस सल्फेट क्या हो गया बच्चों हमारा? इट इज बेसिकली एच जी एस ओ फोर इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ एच जी कवर्ड विद स्पेरिंगली मर्क्यूरस है गाइस, मर्क्यूरस है, एच जी टू एस ओ फोर होगा, मर्क्यूरस है, मर्क्यूरिक नहीं है। एच जी टू एस ओ फोर स्पेरिंगली सॉल्यूबल एच जी टू एस ओ फोर इन कॉन्टैक्ट विद एस टू एस ओ फोर और के टू एस ओ फोर। दीज आर बेसिकली सोर्स ऑफ सल्फेट आयन। ओके गाइस क्लियर है? लिखा कैसे होगा ये? एच जी टू एस ओ फोर सल्फेट। ये सल्फेट कहां से आ रहा है गाइस? के टू एस ओ फोर से या एच टू एस ओ फोर से? सल्फेट कहां से आ रहा है? के टू एस ओ फोर या एच टू एस ओ फोर? रिएक्शन क्या होगी? इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, इट विल बी एच जी टू एस ओ फोर गिविंग एच जी प्लस सल्फेट आर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन यहां पे अगर आएगा तो ऐसे समझो कि ये जो चीज लिखाई है ना, इसको एज इट इज जस्ट गो थ्रू इट ट्वाइस एंड देन यू कैन जस्ट लीव इट। ये तुम्हें एक रफ आइडिया है
थोड़ी बहुत जो आपने पहले पढ़ाया उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। जैसे हमारा यहाँ पे Ag2SO4 इज गिविंग Hg+ सल्फेट आयन व्हेन इट इज एक्टिंग एज कैथोड। ठीक है बच्चों, Ag2SO4 क्या हो गया, सॉलिड, Hg लिक्विड, सल्फेट है। तो यहाँ पे हमारा ई इलेक्ट्रोड ई रिडक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, ई नॉट रिडक्शन -0.059 बाय एन क्या आएगा बच्चों बताओ, वैलेंस करना मत भूल जाना, इट इज गोइंग टू बी 2 लॉग SO4 2-। समझे या नहीं समझे गाइस, क्लियर है यहां तक? बिजली हमारा Hg+ किस में जा रहा है, Hg में जा रहा है, कोई डाउट यहां तक? गुड, नेक्स्ट पे आते हैं 6 मर्क्यूरी, सल्फेट मर्क्यूरिक सल्फेट। हाँ अब HgSO4, HgSO4 इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट ऑफ Hg कवर्ड विद स्पेरिंगली सॉल्युबल। इस बार हम क्या लेने वाले हैं बच्चों, HgSO4। उस वक्त हमने लिया था Hg2SO4, इन कॉन्टैक्ट विद H2SO4 और K2SO4। हाँ बेटा बोलो। क्या आना चाहिए? हाँ ये सारा रट। तो गाइस इसमें क्या होगा, इफ इट इज एक्टिंग एज कैथोड यू विल हैव HgSO4 गिविंग Hg+ सल्फेट आयन, आए ना। व्हाट इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कितने होंगे, वन कैसे होगा ये भी बता दो। बात तो सही है, कुछ तो कांड एक पे कांड कर सकते हैं। बच्चों समझ में आया या नहीं आया, गॉट इट और नॉट? गाइस देख लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स ही आए, क्लियर हुई ये चीज़ या नहीं हुई गाइस? गाइस नॉर्मली पहले यूज करे जाते थे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आजकल AgAgCl HgHg2SO4 या HgHgSO4 एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड, दे आर बेसिकली सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दे आर सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस के लिए आजकल इन्हें यूज किया जाता है, किस चीज दैट के रेफरेंस के? पोटेंशियल हम मेजर करते थे ना बेटा। तो पहले रेफरेंस हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता था, अब ये है। हाँ बेटा क्यों नहीं, अभी तक हम कहां तक पहुंच गए थे गाइस, 6 हो गया था नहीं हो गया था, 7 लिखते जाओ। अमैलगम इलेक्ट्रोड, बच्चे ये हमारा मेटल मेटल आयन जैसा ही है, इट इज लाइक मेटल मेटल आयन हो, इज लाइक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट इन विच मेटल शीट इज रिप्लेस बाय मेटल एमालगम, इज रिप्लेस बाय मेटल एमालगम।
जैसे एन ए प्लस गिविंग एन ए है, सपोज आए ना, क्लियर है गाइस? यहां पे हम एन ए एमलगम बना रहे, ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? तो ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन -0.059, इसमें एन क्या आएगा बच्चों, वन, लॉग वन बाय एन ए प्लस आयन कंसंट्रेशन। कोई डाउट यहां तक? दो और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते आना, उसके बाद क्वेश्चन। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, गाइस रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी हमने पढ़ रखा है, तुम्हें याद है अभी हमने क्वेश्चन किया था C3+C4+, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें C3+C4+ था, देयर वाज अ काइंड ऑफ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इज डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उसमें क्या है बच्चों, उसके अंदर दोनों ही तुम्हारे, मतलब प्लैटिनम इज द इलेक्ट्रोड और जो दोनों आयन्स हैं दे आर कंटेनिंग मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, रिडक्शन भी पॉसिबल है, डिपेंडिंग अपॉन इट इज सर्विंग एज एनोड और कैथोड। अभी बताता हूं मैं, हाँ उसके साथ क्या अटैच है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ये जो रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है इसमें ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग आयन ऑफ एलिमेंट, इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, Fe2+Fe3+, ये दोनों प्रेजेंट है, Fe2+ भी प्रेजेंट है, Fe3+ भी प्रेजेंट है, ओके गाइस? अब डिपेंड करता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो Fe2+ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3+ बना देगा, अगर रिडक्शन करवाना चाहोगे तो Fe3+ इलेक्ट्रोड पे जा इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बना देगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया, और जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जिसका होना है वो दोनों आयन हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है गाइस? और इलेक्ट्रोड हमारा इट इज जस्ट सर्विंग एज अ कंडक्टर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बच्चों? द इलेक्ट्रोड एक्ट एज सोर्स या सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, क्लियर है गाइस? इलेक्ट्रोड इज जस्ट सर्विंग, दैट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज जस्ट सर्विंग एज अ सोर्स या सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन, आदर इट इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन या इट इज टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल प्लैटिनम Fe2+ Fe3+ बच्चे। अब अगर हमारे पास एनोड है, सपोजिंग इट इज सर्विंग एज एनोड, तो Fe2+ विल बी गिविंग Fe3+, ठीक है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? इफ इट इज सर्विंग एज कैथोड तो Fe3+ मस्ट बी एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड गिविंग Fe2+ बच्चों। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, ई नॉट रिडक्शन -0.059 बाय एन क्या आएगा बच्चों, व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एन, वन, रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा ऊपर क्या आएगा गाइस, Fe2+, नीचे आएगा Fe3+, समझे समझे या नहीं समझे बच्चों? कोई डाउट यहां तक? हाँ बेटा, ये लो, अब आते हैं नेक्स्ट, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, हाँ एनोड के हिसाब से लिख देंगे अगर वो पूछा गया है तो, ये रिवर्स हो जाएगा पीस। अब आते, हाँ ई नॉट रिडक्शन की जगह ई नॉट ऑक्सीडेशन आ जाएगा, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट इज क्विन हाइड्रो, इट इज एन इक्वी मोलर मिक्सचर,
ऑफ बेंजोक्विनोन रिटन एज क्यू एंड हाइड्रोक्विन। ये बेसिकली तुम्हारा वो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड जैसा ही है। दिस इज हाइड्रोक्विन H2Q। लिखा कैसे जाएगा, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड? इस तरीके लिखा जाएगा। कैथोड पे देखा जाए तो बच्चों ध्यान से देखो, कैथोड में हमने लिया, वन सेकेंड, ये लिया बेंजोक्विनो प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वन सेकेंड बच्चों, प्लस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या देता है बच्चों? हाइड्रोक्विन। ओके गाइस, दिस इज क्यू एंड दिस इज H2Q। क्लियर है बच्चों, समझ गए? यहां तो कोई डाउट? ये है व्हेन इट इज सर्विंग एज कैथोड, दिस इज अ रिएक्शन व्हेन इट इज सर्विंग एज कैथोड। एनोड होगा तो एक काम करो, रिएक्शन को रिवर्स कर देना, ई रिडक्शन क्या जाएगा, ई नॉट रिडक्शन, -0.059 बाय एन क्या आएगा बच्चों, 2 log 1 by H+ ion कंसेंट्रेशन का होल। क्लियर है या नहीं? ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड, ये एक्टिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? कितने बच्चों को क्लियर हो गई? हो गया? हाँ बोलो बेटा, ये लो बच्चों, नोट इट डाउन। हाँ बेटा, हाँ बहुत अच्छी, जल्दी है बच्चों, कर लिया नोट? हाँ बेटा, नोट इट डाउन प्लीज बच्चों। एक चीज आओ, तुम्हारा को वो वाला समझ आ गया था, N1E1 + N2E2 एंड गिविंग N3, उसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है? सारा समझ गए ना, कि जैसे हमारी रिएक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे हमारा एनी वैल्यू भी ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। गुड बच्चों, अब एक क्वेश्चन करें, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन बच्चों, आवाज नहीं चाहिए। फाइंड ई नॉट रिडक्शन फॉर CuS इलेक्ट्रोड। हमें दिया क्या हुआ है, KSP ऑफ CuS एज 8 × 10⁻³⁶, और हमें दे रखा है गाइज, इस क्वेश्चन को देख के किस चीज की फील आ रही है, क्वेश्चन किस टाइप का है? प्लीज लास्ट क्वेश्चन है, पे अटेंशन बच्चों, ये बताओ इस क्वेश्चन को देख के किस चीज की फील आ रही है? ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन तुमने करा हुआ है, उसमें बस तुम्हें 2 E0 रिडक्शन दे रखे थे और KSP पूछा हुआ था, 2 E0 रिडक्शन दे रखे थे और KSP वैल्यू पूछी गई थी, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया था, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? रिएक्शंस को हमने इस तरीके से बनाया कि जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है वो तुम्हारा वही बन गई जिसका एक इक्विलिब्रियम वैल्यू दे रख। यहां पे भी उसी टाइप की फील आ रही है, नहीं आ रही? हमें KSP दे रखा है, KSP वाली इक्वेशन लिख लो, स्पेनली सॉल्युबल सॉल्ट है CuS, जैसे वहां पे हमारे को दे रखा था कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे CuS दे रखा है। हमारी रिएक्शन क्या होगी गाइस, इसको दो तरीके से करा जा सकता है, दिस इज द फर्स्ट मेथड जो मैं बता रहा हूं,
Cu2+ H2-। ये है हमारी रिएक्शन गाइस। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? ये हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन बनानी। वी वॉन्ट दिस टू बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन। हमें दिया क्या क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। एक काम करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं। हमें ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। कितना है बच्चों? ये रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.34। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट ले लिया। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है गाइस, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। इसकी रिएक्शन देखना गाइस, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या बनने वाला है, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी। डू यू रियलाइज इट विल बी CuS गिविंग Cu+H2-। बताओ गाइस, CuS इलेक्ट्रोड का इनॉट रिडक्शन क्या होगा? यही रिएक्शन होगी या नहीं होगी? CuS से तुम क्या बना रहे हो? Cu और H2-। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? CuS से क्या बना रहे हो तुम? Cu और H2-। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ पे H2- और लिख। CuS गिविंग Cu+H2-। होगा क्या वो H2- भी होगा। नहीं हो सकता है? मेंशन नाउ। क्लियर है गाइस? अब मुझे बताओ, हमें ये वाला दिस शुड बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड वी आर गिवन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस। इसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। तो गाइस पहले मुझे बताओ, हाउ कैन वी गेट दिस रिएक्शन जो मैंने ब्रैकेट में डाल रखी है, ये कैसे आएगा? इसको ऐसे ही रखो, मेक दिस कैथोड, और इसको रिवर्स कर दो। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? हाँ, बेसिकली ये कैथोड हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? एनोड। क्लियर है? मतलब इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर दो। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? ये हमारा कैथोड बन गया, और एनोड भी क्या होगा बच्चों? व्हाट आर यू गोइंग टू हैव? वन सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यू विल हैव Cu गिविंग Cu2+। समझ आया नहीं आया? ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और इन दोनों को जब तुम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तो वो ये बनेगी। हाँ या ना? हर एक बच्चे को क्लियर है ये चीज? गुड। तो हमारा ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो गाइस ई नॉट सेल क्या आने वाला है? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनो। इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल। यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? विल बी इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन। वो के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट के एस पी। समझे या नहीं समझेगा? के के इक्विलिब्रियम फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज नथिंग बट के एस पी। गाइज ये चीज क्लियर हुई या नहीं? रिएक्शन, आई एम इंडिकेटिंग द रिएक्ट, दिस रिएक्ट। ओवरऑल सेल रिएक्शन इसको ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे बनाया बेटा? देखो मैंने फिर से क्या क्वेश्चन को सुनो बच्चों, हमें ये के एस पी दे रखा है। पहले वो के एस पी वाली इक्वेशन बनाई, CuS गिविंग Cu2+H2-। ठीक है बच्चों? अब हमें ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बनानी है। ये अगर ओवरऑल सेल रिएक्शन बन गई तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो? ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग के इक्विलिब्रियम होता है ना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को?
हम चाह रहे हैं कि ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन बने। उसके लिए हमें एनोड चाहिए कैथोड चाहिए, हाँ है ना बच्चों? अब हमें एक का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, Cu2+Cb गिविंग Cu, कितना रिडक्शन पोटेंशियल है उसका? 0.34। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, मैंने उसका रिडक्शन बता रहा हूँ, Cu2+ गिविंग Cu। बेटा ध्यान दो, Cu2+ गिविंग Cu, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.3। और एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है। गेटिंग द आइडिया नॉट बच्चे? तो मैंने क्या किया, इसको तो बना दिया एन, इसको क्या बना दिया, एनोड, Cu गिविंग Cu2+। और जिस इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है उसको हमने बना दिया कैथोड। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो डू यू रियलाइज यू विल गेट CuS गिविंग Cu2+ प्लस H2-। ये मैंने अपनी तरफ से जो जो हमें ओवरऑल सेल रिएक्शन चाहिए थी उसको मैंने ब्रेकअप करके, अपनी तरफ से ब्रेकअप करके एनोड और कैथोड आप बना दिया। हाँ बेटा, नहीं अभी नहीं, उस तरीके से नहीं होगा। तुम्हारे को दो डिफरेंट मतलब मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए। तुम्हारे पास Cu2+ है, Cu है, अगर बीच में कहीं Cu+ भी होता उस टाइप के क्वेश्चन के लिए वो यूज होता है। Cu2+ गिविंग Cu है, Cu+ गिविंग Cu है, और पूछा गया है Cu2+ गिविंग Cu+ के लिए, वो Ne वाला फॉर्मूला तभी लगता है व्हेन यू हैव गॉट अ एलिमेंट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से देखो, एक मिनट होल्ड करो गाइस, जस्ट वन सेकंड। बच्चों पे अटेंशन, मैं ये कह रहा हूं हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर हम इस ओवरऑल जो हमें जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, अगर हम उसे ओवरऑल सेल रिएक्शन बना देते तो हमारे को ई नॉट सेल पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा? क्लियर है गाइस? ये जो हमारा है जिसका KSP दे रखा है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, विच इज नथिंग बट KSP। हम चाह रहे हैं ये सेल रिएक्शन बने, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन बने। क्लियर है गाइस? और किससे बने? इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड को यूज करके वी वॉन्ट टू मेक अ सेल जिसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये। समझ में आया नहीं आया? तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को कीपिंग दिस इन माइंड, मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड से एनोड और कैथोड चूज करे। ठीक है गाइस? मैंने कहा Cu गिविंग Cu2+, इसको मान लो एन, और जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछा गया है, विच इज CuS गिविंग Cu+ H2-, इसको मान लो कैथोड। हाँ अपनी तरफ से माना है, उल्टा नहीं कर सकते क्योंकि उससे तुम्हारी ओवरऑल सेल रिएक्शन ये नहीं होगी। ध्यान से देखो, अगर तुम ओवरऑल देखते हो, तुम कह रहे हो कि सर एनोड और कैथोड हम रिवर्स कर देते हैं, यही तो कह रहे हो ना बेटा? तो उसके लिए तुम्हें जो रिएक्शन होगी वो तुम्हारी ये बन जाएगी, Cu2+ गिविंग Cu, एंड यू विल हैव Cu+ H2- गिविंग CuS, राइट? यही कह रहे हो? अब इन दोनों रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम, मतलब तुमने कहा कि सर हम ये क्यों नहीं लेते, इसका भी कर सकते हो। कैसे करोगे? इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या बनेगी बेटा? Cu2+ प्लस H2- गिविंग CuS, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर तुम सोचो इट विल बी 1/KSP, तो उससे भी किया जा सकता है। ठीक है ना बेटा? लेकिन वो इट इज लाइक कि क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को टफ बना दे। कैथोड वाली बोर रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन का होगा बेटा Cu2 Cu इसकी बात करो या ऊपर वाली की बात करो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कोई? हाँ से ऊपर वाला उस सीओ से सीओ इसकी बात करोगे ना? इसमें बेसिकली CuS इज गिविंग Cu, Cu+2 से जीरो पे जा रहा है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अब तुम्हारा ये एक्सप्रेशन तुम कर लोगे नहीं कर लोगे, ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला था कि वी आर गिवन, उसमें तो हमें क्या दे रखा था, ई नॉट रिडक्शन दे रखा था एनोड और कैथोड का,
और पूछा गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, एक रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और एक, हाँ तो रिएक्शन को, तो इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन करवाया, सो दैट यू गेट अ फेयर एंड अ आइडिया कि क्या करना। नहीं अभी मेथड टू वोट, ये चीज समझ आई नहीं आई, यहां से क्वेश्चन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड विल बी 0.059 बाय एन लॉग के, कोई डाउट यहां तक? अब आते हैं इसके मेथड टू, मैंने कहा था ना गाइस मेथड टू में डू यू रियलाइज, जो बच्चे ने कहा था सर यहां पे ये है यार, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है Cu2 plus giving Cu, हाँ है ना, इस रिएक्शन को ये लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता ये बताओ, लिख सकते हैं ना इसे CuS giving Cu plus H2 minus, it can be written as Cu2 plus giving Cu, लेकिन एक प्रॉब्लम, तुम कहोगे सर यहां पे हमें इसका E0 पूछा गया था, E0 रिडक्शन पूछा गया था ना क्वेश्चन, यार E0 रिडक्शन का मतलब है जो आयंस है उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1 मोलर, मतलब यहाँ पे जो H2- है वो कितना होना चाहिए, 1 मोलर, और मैं कह रहा हूं ये रिएक्शन और ये रिएक्शन इक्विवेलेंट है, अगर H2-1 मोलर है तो Cu2+ क्या होना चाहिए, Cu2+ की कंसंट्रेशन इंटू H2- की कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू Ks, तो डू यू रियलाइज यहां पे इस रिएक्शन को अगर तुम इससे इक्वेट कर रहे हो तो Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, इट विल बी Ksp के बराबर, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट यहां तक जो मैंने अभी बोला, क्लियर हो गई ये चीज, किस इस रिएक्शन को हमने ये लिख दिया जहां पे Cu2+ की कंसंट्रेशन Ksp के बराबर, मतलब इसका ध्यान से देखो E0 ऑफ CuS गिविंग Cu इज इक्वल एंड टू E ऑफ Cu2+ गिविंग Cu, ये चीज समझ में आई नहीं आई, मैंने नॉट नहीं लिखा यहां पे, क्योंकि नॉट होता तो ये यहां पे 1 मोलर होना चाहिए था, E0 ऑफ CuS गिविंग Cu इज इक्विवेलेंट टू E ऑफ Cu2+ गिविंग Cu, जहां पे Cu2+ की कंसंट्रेशन क्या है बेटा Ksp, ये चीज समझ में आई या नहीं है पहले ये बता दो, अब तुम निकाल लो, कैसे निकालोगे जब तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया E ऑफ Cu2+ गिविंग Cu क्या बनने वाला है, E0 जो हमारा नर्स इक्वेशन है वो लगा रहा हूं, E0 क्या था बच्चों 0.34 माइनस 0.059 बाय 2 लॉग, क्या बनेगा बच्चों इस रिएक्शन को देख रहे हैं अब आप 1 बाय Cu2+ विच इज नथिंग बट 1 बाय Ks, यहां से निकाल, अब तुम्हें कुछ आइडिया हुआ है नहीं हुआ, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड वाला बेटर लग रहा है कई बार, दोनों ही तरीके आने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, समझ आया नहीं आया बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को एक और बार रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनो, हमें दे रखा है CuS गिविंग C, ओके बच्चों मैं इसी पेन से लिखता हूं, 1 सेकेंड मैं फिर से बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें दे रखा है CuS गिविंग Cu एंड H2-, ठीक है बच्चों, ये E0 हमें X, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है ना बच्चों, और E0 हमें दे रखा है Cu2+ गिविंग Cu का कितना बच्चों 0.34, और हमें Ksp दे रखा है एज Ksp ऑफ CuS जो भी वैल्यू है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, हम चाह रहे हैं इसकी जो रिएक्शन है वही हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन बने, ठीक है बच्चों, मतलब CuS गिविंग Cu2+ प्लस H2-, दिस शुड बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन, और हमें दो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में इसको लिखना है, तो एक काम करो यहां पे Cu2+ है यहां पे Cu2+ है राइट, तो Cu2+ को किस साइड में लिखे और राइट साइड में लिखो, मतलब बेसिकली ये जो हमारा है, ये जो हमारा है इसको क्या कर दो एनोड बना, क्लियर है गाइस, यू बेसिकली नीड ये अगर ओवरऑल रिएक्शन बनानी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन बनानी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
सीयू गिविंग CO2+, ये एनोड पे हो गया, एंड CuS गिविंग Cu+H2-, दिस इज एट कैथोड। इन दोनों को ऐड करने से ओवरऑल सेल रिएक्शन यही बनी, यहां तक कोई डाउट? अब हम कह देंगे ई नॉट ऑफ कैथोड जो कि हमें निकालना है माइनस ई नॉट ऑफ एनोड जो कि क्या है बच्चों 0.34 विल बी इक्वल टू 0.059 लॉग इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द ओवरऑल सेल रिएक्शन विच इज KSP। कोई डाउट यहां तक? दूसरे वाले में हमने क्या किया, हमने कहा यार ये जो CuS गिविंग Cu+H2- है इट इज इक्विवेलेंट टू Cu2+ गिविंग Cu। कोई डाउट यहां तक? अब यहां पे वन मोलर था क्योंकि हमें ई नॉट निकालना है, ई नॉट रिडक्शन निकालना है, तो H2- शुड बी वन मोलर। अगर H2- वन मोलर है तो Cu2+ कितना होना चाहिए था, हमें बताया Cu2+ इंटू H2- शुड बी इक्वल टू KSP, तो ये हमारा कितना है KSP। अब मैंने जैसे तुम्हें बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्योरली आई एम रिपीटिंग इट ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ई नॉट ऑफ Cu2+ सॉरी ई नॉट ऑफ CuS गिविंग Cu एंड H2-, इट इज इक्वल टू ई ऑफ Cu2+ गिविंग Cu, जहां पे Cu2+ की कंसेंट्रेशन इज KSP। अब हमने क्या किया, ई रिडक्शन मतलब ये will be equal to E naught reduction which is 0.34 minus 0.059 by 2 log 1 by Cu2+ giving Cu ion, right? So it will be 1 by Cu2+ ion concentration. Clear ho gaya, nahi ho gaya? I have repeated this question taki tumhe clearly samajh mein aa jaye. Guys, we are done with the class.